हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेयर स्टडी पॉइंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से, वो अभी से 20 दिनों तक एसबीआई पीओ की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। एसबीआई पीओ को मेंस में फोकस करते हुए हम लोगों ने रीजनिंग और मैथ्स का एक सीरीज शुरू किया है, जहां पे रीजनिंग का और मैथ्स का मैं पेपर अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। और वहां उसके बाद फिर मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन को डील कैसे करना, ये क्वेश्चंस कंप्लीटली एसबीआई पीओ मेंस के रिलेवेंट होगा, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग सीरीज को शुरू करते हैं, और सीरीज को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पहले शेयर कर दो ज्यादा, ठीक है। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है, एन आइटम इज मार्क्ड 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक आइटम जो है 80% अबव पे मार्क करा गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं सीपी हमारा 100 होगा, तो मार्क प्राइस क्या होगा, 80% अधिक यानी कि 180, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 11.11% का डिस्काउंट दिया, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है क्या 1/9, यानी 1/9 की क्या हो गई, डिस्काउंट दी गई है। तो 1/9 की जब डिस्काउंट दी गई है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 1/9 करने का मतलब ये सब चीज ना ओरली करना है, ठीक है। 180 का 1/9 करोगे तो 1/9 कितना होता है, 20 होता है। 180 में 20 चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एसपी हमारा 160 हो जाएगा हमारा एसपी, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे तो सीपी से एसपी 160 रुपए, यानी कि 60% का क्या हो रहा है तुम्हें, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एक डेटा यहाँ से ये निकल गया। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है सवाल में, ठीक है। इफ द कस्टमर फर्दर मेक सम बार्गेन एंड पे ए परसेंट लेस, ठीक है। कस्टमर जो है कुछ बार्गेन फिर करता है और क्या होता है, ए परसेंट की मतलब ब्लैंक दिए हुए है, पे इज डैश परसेंट लेस, मान लो उसको मैंने ए परसेंट बोल दिया, ठीक है। द प्रॉफिट विल डिक्रीज बाई डैश परसेंट, उसको मान लो बी परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट जो है 20%, बी परसेंट से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब देखो यहाँ पे वो जो डिस्काउंट माना, जैसे ये प्रॉफिट डिस्काउंट का किया होगा 160 पे किया होगा, यानी कि डिस्काउंट करने का मतलब क्या, कुछ रुपए की कमी, जिसके वजह से जो है वो पहला ब्लैंक जो है वो कम पे कर रहा है, अपना परसेंट की कमी आई। अगर मान लो लेट से कि हम वाई रुपीज लेस पे करते हैं, ठीक है, वाई रुपीज क्या करते हैं, लेस पे करते हैं, तो कितने परसेंट लेस पे किए, जिसको हम लोगों ने ए बोला, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू निकलेगी वाई लेस पे किए आउट ऑफ कितना, 160 दुनिया में क्या होंगे, ठीक है। फिर हमारा जो परसेंटेज प्रॉफिट में जो डिक्रीज होगा, वो ये जो प्रॉफिट में डिक्रीज होगा 60 पे, ये क्यों डिक्रीज होगा, ड्यू टू ये वाई रुपीज कम पे करने के लिए, ठीक है। तो परसेंटेज में कितने का डिक्रीज होगा, पहले हमारा अगर हम लोग बोले यहाँ पे 60 का प्रॉफिट, या फिर 60 यूनिट का भी तुम प्रॉफिट बोल सकते हो, क्योंकि 100 पे तुलना की गई है, ठीक है। तो जब 60 यूनिट का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग जो परसेंटेज डिक्रीज आएगा प्रॉफिट में, वो भी ये 60 पे ही आएगा। तो जो कि हमारा बी परसेंट है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालनी चाहे, तो यहाँ पे कमी कैसे निकलेगा वाई, और कितने की कमी हुई है हमारी, 60 की कमी है, तो अपॉन में क्या कर देंगे, 60 गुने में क्या, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन निकल के आएगा। इसे थोड़ा सा क्या करो, इस टाइप के इक्वेशन में इन दोनों को क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल आता है, कोशिश यही रखो कि तुम उसे फ्रैक्शन में ले आओ, चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, वाई वाई 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बाई बी कितना निकल के आएगा, 60 अपॉन में 160, 20 से काट दो 3 बार में, 20 से काट दो 8 बार, ठीक है। अब देखो सवाल में आगे क्या दे रखा है, द वैल्यू गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल फिल द ब्लैंक्स इन द सेम ऑर्डर इन विच इट इज गिवन टू मेक द अबव स्टेटमेंट ट्रू। जो भी वैल्यू है ए और बी का, वो कौन सा हो सकता है, ये तुम्हें बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो, यानी कि यहां से तुम्हें क्या मालूम हो गया, ए बटे में बी जो है वो है तुम्हारा 3/8, ठीक है। ए बटे में बी कितना है, 3/8 है तुम्हारा। अब कौन कौन से वैल्यू से ए बटे में बी 3/8 आ रहा है, ये चेक कर लो, ठीक है। चेक जब करोगे तो पहला ऑप्शन में आ जाओ, पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें जो बोल रहा है उसमें देखो दे रखा है 20 है और 53.33%, ठीक है। तो 20 यहां से कर दो, यहां पे लिख दो 20 और बटे में क्या कर दो 53.33%, ठीक है। अब 53.33% समस्या है कि ये किसका फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडिशनल तुम्हें बता दे रहा हूँ, 53.33% को तुम ऐसा कुछ लिख सकते हो 20 प्लस में 33 होल 1/3 या 33 में 33 और सारा क्या है परसेंट में, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 53% का 1/3, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, 5 3 15 और 8 5 15
ठीक है, इतना आसानी से 53 पॉइंट अगर याद नहीं भी है तो उसे निकाल सकते हो, ठीक है, स्प्लिट करके। अब यहाँ से देखो क्या है, 20% के 20 पर 20 ही रहने दो, ठीक है, अगर इसको चेंज कर दो 20% को, तो ये दे देगा तुम्हें 1/5, और 53.33% इसको चेंज किया तो 8/ क्या मिल गया 15, 5 से कट गया 3, यानी कि फिर आ गया 3/8, यानी कि हमारा पहला इक्वेशन जो है, पहला ऑप्शन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लो उसी तरीके से, दूसरा ऑप्शन क्या है 15/ क्या है 40, ठीक है, 15/ जब 40 है तुम देखो 15/40 तुम्हारा क्या हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है 5 से 3, 5 से 8 बार में, यानी ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। जब तुम दो ऑप्शन चेक कर लो तो पहला ऑप्शन पाओ कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा मिल रहा है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला है 2, 3, 4, तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि इसमें हमारा 1 आना चाहिए, 1, 2 अभी तक में सेटिस्फाई हो चुका है। दूसरा ऑप्शन हो गया तो 1, 2, 3 ये हो सकता है, तीसरा ऑप्शन 1, 3, 4, 5 2 तो है ही नहीं, ये भी खत्म हो गया हमारा, चौथा ऑप्शन ऑल एक्सेप्ट 4, ठीक है, तो इसके लिए हमको 1, 2, 3, 5 चेक करना पड़ेगा, हमारा 1, 2 चेक किए, ये भी होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है, एक है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, सी खत्म हो गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन तुम देखो, कॉमन अगर तुम देखोगे तो बी में तुम्हारा 3 है, सी बी के लिए तुम्हें बी में आने के लिए तुम्हें 4 और 5 को चेक करना होगा, डी में आने के लिए तुम्हें 3 और 5 को चेक करना होगा, और ई के लिए तुम्हें सबको चेक करना होगा। मतलब तुम अब यहाँ से एक चीज तुम्हें क्लियर हो गया कि तुम्हें लिटरली हर एक को चेक करना होगा। अगर तुम आगे धीरे धीरे यहाँ पे तो तीसरा ऑप्शन जब तुम देख रहे हो तो थर्ड ऑप्शन तुम्हें क्या दिख रहा है, 25 है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 लिखते हैं, ठीक है, परसेंटेज में। अगर किसी एक को चेंज करें तो दूसरा को भी चेंज करना हो, 66.66% है, जिसकी वैल्यू होती है 2/3, ये भी देखो फिर दे दिया 3/8, यानी 3 भी सेटिस्फाइड है। 4 में आएगा, 4 में क्या है तुम्हारा 7.5 है, बटे में क्या है 20 है। अगर 2.5 से काटोगे तो 3 बार में 2.5 से काटोगे 8 बार में फिर आगे, ये भी सेटिस्फाइड है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो है ऑप्शन खत्म हो गया, पांचवा को चेक करने का, अगर मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो, फिर भी आंसर तुम्हारा आ गया, चौथा तुम्हारा एप्लीकेबल हो रहा है, तीसरा भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो तुम्हारा ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। बी नंबर और डी नंबर बचा कौन सा, ई नंबर, यानी कि पांचों सेटिस्फाई कर रहा है, पांचवा में टाइम वेस्ट मत करना, देख के हमारा ऐसा यहाँ वाला की आसान दिख रहा है 30/80 कट जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना, क्लियर बात है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या, अगला में देखो क्या, एक सेक्टर ऑफ एंगल डैश इज कट फ्रॉम अ सर्कल, ठीक है, एक सेक्टर जो है एक सर्कल से कट करा गया, मान लो सपोज इस तरीके से कट करा गया, ठीक है, ये सेक्टर हमारा कट करा गया कुछ भी एंगल का जिसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस क्या है आर है, ठीक है, एक कोन ऑफ रेडियस 6.66 सेंटीमीटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज मेड, ठीक है, कोन जो है बनाया गया इसका 6.66, तो देखो 66.67% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2/3, तो इसको तुरंत मान लो तुम क्या यहाँ पे इसको यहाँ आर ही रहने दो, ठीक है, तो कोन का जो रेडियस हो जाएगा, कोन का रेडियस क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/3 आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कोन फॉर्म हुआ है, कोन कैसे फॉर्म हुआ है, देखो यहाँ पे कोन जो फॉर्म हुआ है by made and by overlapping the remaining the dash of the remaining portion, ठीक है, क्या बोल रहा है, cone of radius to 66.67% of the radius of a circle is made, ठीक है, made कैसे, by overlapping dash of the remaining portion, जो बचे हुए portion है उसको overlap करके, ठीक है, जो बचा हुआ portion है इसको क्या कर रहा है, overlap करके तुम्हारा क्या बना दे रहा है, एक cone बना दे रहा है, ठीक है। अब तुम ध्यान दो कि जब तुम्हारा कोन का रेडियस इसके 2/3 होगा तुम्हारा, ठीक है, तो ये 2/3 जब तुम्हारा कोन का रेडियस तुम्हारा कैप्चर कर रहा है तो एंगल भी उसी रिस्पेक्ट में उसी रेशियो में कैप्चर करेगा। मतलब क्या है कि अगर हम लोग का सर्कल, ठीक है, और कोन का रेडियस का अगर हम रेशियो तुम्हें निकालने के लिए बोले तो रेडियस देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r/3, यानी 3 रेशियो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब चूंकि 3:2 है, एक ही सेगमेंट में बात किया है, तो सर्कल पूरा पूरी अपने आप में कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, तो सर्कल पूरा पूरी 360 है, तो 3 का मान 360 के बराबर, तो 2 का मान कितना के बराबर हो जाएगा 240, मतलब कोण जो है वो कितना कैप्चर करेगा 240 डिग्री कैप्चर करेगा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू गिवन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल फिल इन द सेम ऑर्डर इन विच इट टू मेक द स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां से देखो क्या है, पहला तुम्हें तो दिया हुआ है कि सेक्टर जो है वो तुम्हारा कोई थीटा, पहला ब्लैंक जो है वो कोई थीटा तो कैप निकाल रहे, ठीक है,
और बाकी बचा जो पार्ट है तुम्हारा, बाकी बचा पार्ट जो है उसका जो कुछ परसेंटेज है वो तुम क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो इसको बनाने में, ठीक है? क्या बनाने में यूज कर रहे हो, कौन बनाने में यूज कर रहे हो। अब चेक करो कि कहां कहां से तुम्हारा आंसर आ सकता है, ये तुम चेक कर लो, ठीक है? पहला ऑप्शन चेक कर लो, पहला ऑप्शन तुम्हारा है 90 डिग्री, ठीक है? पहला जब 90 डिग्री तुमने ले लिया तो तुम्हारे पास बचे कितने, 240 डिग्री बचे, ठीक है? कितना बच गया तुम्हारा, 240 डिग्री बचे, ठीक है? फिर बोल रहा है बाई ओवरलैपिंग द रिमेनिंग डैश पोर्शन 11.11% ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, मतलब पूरा पूरी पोर्शन को ओवरलैप नहीं किया, कुछ पोर्शन को ओवरलैप किया, ठीक है? तो रिमेनिंग पोर्शन को जब ओवरलैप करेंगे तो 11.11% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 90 तुमने ले लिया, 90 जब ले लिया तुमने, नहीं 240 नहीं होगा, ये 270 होगा, ठीक है? 90 ले लिया था तुमने, 360 में जब 90 घटा दोगे तो ये तुम्हें क्या देगा, 270 देगा। अब रिमेनिंग पोर्शन ये 240 आ रहा है कि नहीं वो तुम देखो, ठीक है? तो 270 का तुमने 1/9 की कमी कर दी, यानी कि 8/9 ही लिया, 8/9 जब लोगे तो 9 से 30 बार में 8 दिया, कितना हो गया, 240। हाँ, 240 आ रहा है और ये ऑलरेडी 240 दे रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? सिंपल सा है कि अगर ये हमारा जो है सर्कल पूरा पूरी 360 है तो कोन 2/3 रेडियस कैप्चर कर रहा है, मतलब कोन बनाने के लिए हमारा कितने डिग्री की जरूरत है, 240 डिग्री की जरूरत है। ओवरलैपिंग जो कर रहा है वो रिमेनिंग पोर्शन का कुछ परसेंट ओवरलैप कर रहा है, ठीक है? तो रिमेनिंग पोर्शन का डैश परसेंट जो ओवरलैप कर रहा है, अगर मान लो 11.11% रिमेनिंग पोर्शन का ओवरलैप कर रहा है तो हम लोग ले कितना पोर्शन को रहे हैं, कमी कर देंगे वहां पे रिमेनिंग पोर्शन में, तो 1/9 होता है, 9 में 1 की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 8/9, 9 से काट दिया 270, 3 × 8 क्या हो गया, 240। इसी तरीके से एक एक ऑप्शन चेक कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है आप लोगों का, दूसरा ऑप्शन जो है 96 है, ठीक है? 96 में चेक कर लो, यहाँ पे अगर तुम 96 डिग्री का सेक्टर सबसे पहले काट रहे हो तो 360 में 96 को हटा दो, 360 में जब 96 को घटाओगे तो ये तुम्हें देगा 4 और 15 में 9 चला जाएगा, यानी कि 5 और 6, ठीक है? और 264 डिग्री तुम्हारा बचेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने का कमी किया तुमने, कमी किया है 9.09% का, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/11, ठीक है? तो 264 का 11 में 1 की कमी, यानी क्या हो जाएगा, 10/11, 11 से 2 बार में 24, यानी कि फिर कितना आ गया, 240 डिग्री, यानी कोण बनाने में तुमने जो लिया वो कितना लिया, 240 डिग्री, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे, थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है? ऑप्शन पे जब हम आएंगे तो ऑप्शन में देखो अभी तक में ए भी हमारा सेटिस्फाई कर चुका है, पहला ऑप्शन खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा भी खत्म हो गया और पांचवा हो सकता है, ठीक है? तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सी डी तो है ही, हम लोग पहले ई को देख लेते हैं, ठीक है? ई का कहानी क्या होता है, ई से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई खत्म हो जाएगा। देखो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है 45 डिग्री, यहाँ पे तुम जब भी नोटिस करोगे तो नोटिस करो जो डिनोमिनेटर आया है फ्रैक्शन परसेंटेज का चेंज करके उससे रिमेनिंग एंगल जो है वो क्या रहना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक है? तुम्हारा 45 डिग्री है, जब तुम रिमेनिंग एंगल में आओगे तो कितना आएगा, 315 डिग्री और 16.67% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6, ये 1/6 से नहीं कटेगा, ठीक है? मतलब 6 से ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ये ई नंबर ऑप्शन जो है खत्म हो गया, यानी कि 45 16.67 खत्म हो गया। अब सी डी में ये किसी एक को चेक कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो सी वाला अगर चेक करेंगे इसका सेटिस्फाई किया तो डी नहीं होगा, डी अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो सी होगा, यही होगा। तो सी को चेक कर लो, सी में कितना है तुम्हारा, 60-20 है, जब तुम 60 डिग्री लोगे तो तुम्हारे पास बचेगा कितना, 300 डिग्री और परसेंटेज में बोला है 20%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी, 1/5, ठीक है? तो सी नंबर ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो 1/5 जब होती है तो हमारा कितना हो जाएगा, 300 का 4/5, 5 से काट दो 60 बार में, 16 × 4 कितना हो गया, 240। देखो यहाँ पे फिर 240 आ गया कोण का डिग्री, यानी कि ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है? इसी के साथ हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 240 की डिग्री, ठीक है? उम्मीद करते हैं सवाल यहाँ तक क्लियर होगा। चलो अगला सवाल फिर सुनते हैं, देखो अगला सवाल क्या होगा, एक गोल्ड स्मिथ यूज केमिकल टू रिमूव द डर्ट हेयर फ्रॉम सम प्योर गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है? कुछ केमिकल यूज करता है डर्ट निकालने के लिए गोल्ड ज्वेलरी से, द डर्ट हैड इंक्रीज द वेट ऑफ ज्वेलरी बाय 6.25%, ठीक है? 6.25% से जो है वेट क्या करता है, इंक्रीज करा देता है, 6.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/16। तो हम लोग बोल देते हैं ओरिजिनली जो है
हमारा गोल्ड का जो वेट था वो था हमारा 16x, ठीक है। तो डस्ट के वजह से जो वेट बढ़ गया, इंक्रीज जो हुआ, इंक्रीज होने के बाद फिर वेट कितना हो जाएगा हमारा, 16 में एक का इंक्रीज हो गया यानी कितना 17x हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, he removes all the dirt but also removes some gold jewelry from the jewelry, ठीक है, some gold भी जो है वो क्या करता है निकाल देता है, ठीक है। The total weight removed from the jewelry is 12.5% of the original weight of gold in the jewelry. जो total weight remove होता है वो कितना भी remove होता है, 12.5% remove होता है किसका, of the original gold का, ठीक है। तो original gold हमारा 16x है, इसका 12.5% जो है remove हो जाता है। 12.5% का मान कितना होता है, 1/8, 16x है, 1/8 रिमूव हो जाता है, तो 8 गुना कितना 2x, देखो यहाँ पे रिमूव कितना हुआ 2x, ठीक है। डस्ट हमारा एक्चुअली में कितना था, x था। अब x ग्राम डस्ट के लिए हम लोग 2x ग्राम निकाल दे रहे हैं, तो 2x निकालने का मतलब क्या है कि 2x में जब x माइनस कर देंगे तो x ग्राम जो है वो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, गोल्ड निकाल रहे हैं। x ग्राम जो हमारा क्या निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, गोल्ड निकल रहा है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, What is the original weight of the jewelry? Jewelry का original weight क्या होगा? If the gold obtained while cleaning is 30 gram, gold जो obtained हुआ है वो कितना obtained हुआ है, 30 gram. Gold कितना obtained हुआ है? X gram obtained हुआ है. X की value दी हुई है 30. 16x की value पूछ रखी है. 16x कितना हो जाएगा? 16 गुने में 30. That is none other than 480 gram. और इसी के साथ हमारा answer जो है 480 gram option number क्या है? ठीक है? बड़ा ही आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला देखो क्या है, बोल रहा है एक सीरीज दिए हुआ है 1, 2, 9, 44, 2, 35 और 14, 34, ठीक है। फिर इसमें क्या बोल रहा है हम लोग को सवाल में कि Another series which follows the same pattern को क्या करता है, follow करता है, तो follow क्या करेगा, 3, 10, फिर comma dash, फिर dash और कितना dash है, 4, ठीक है। और यहाँ पे दिए हुआ है m, आपसे क्या पूछा है, m का मान पूछा है। तो ये सीरीज में ना पहले एक बार आरबीआई में एकदम फिक्स था पूछा जाता था, ठीक है। अब क्या है कि अब किसी भी मेंस एग्जाम में फोकसिंग करके इस सीरीज को पूछ दिया जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर आईबीपीएस में पूछा गया था, हो सकता है एसबीआई में भी सब पूछ दो, ठीक है। तो देखो इस सीरीज में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। तो पैटर्न ढूंढो, यहाँ पे एक से दो जाने के लिए तुम देखो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक में अगर तुम दो के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे या तो डायरेक्ट दो से गुना कर दो, ठीक है, एक को सबसे पहला चीज दिख गया। और इसके अलावा यहाँ हमें दिख रहा है कि एक में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, लेकिन इससे कुछ खास हासिल नहीं होगा, ठीक है। दो से नौ में आना है, तो दो से नौ में आने के लिए तो हमें डायरेक्ट टू कुछ नंबर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग दो से नौ में आने के लिए क्या करते हैं, दो में अगर एक जोड़ देते हैं, तीन, तीन का स्क्वायर, तीन में तीन गुना कर देते तो नौ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या, नौ से 44 जाना है, तो इसका लगभग में 44 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो 9 में जब है तुम यहाँ से अगर दो जोड़ दोगे तो 11 में तुम 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 44, ठीक है। यहाँ देखो एक जोड़ा तुमने, यहाँ दो जोड़ा, यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे तुम जोड़ोगे 3, ठीक है, तो 44 तीन कितना हो जाएगा, 47 अब हो गया, तो 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो अगला क्या जोड़ोगे, यहाँ पे 5 जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जोड़ो, देखो 47 गुने 3 जो है, ठीक है, गुना में 5 कर दो, तो गुना में जब 5 करोगे 47 में 5 तो हमारा 235 हो जाएगा, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगला के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 4 और गुने में क्या 6 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट पे भी तुम चेक कर सकते हो, 5, 4, 9 हो जाएगा, 9, 6, 54, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। अब यही पैटर्न को तुम्हें नीचे फॉलो करो, अब यहाँ पे नीचे में तुम देखो, इधर तो 1 हो गया था, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट गुना जा नहीं सकते, इसके पहले क्या जाएगा, 0 ऐड होकर जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तुम क्या करोगे, 1 में सबसे पहले 0 ऐड करोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, यहाँ पे तुम क्या करोगे, 3 में सबसे पहले 0 ऐड करोगे और 2 से गुणा करोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6। फिर 6 में तुम क्या करोगे, 1 ऐड करोगे और 3 से गुणा करोगे, तो 7 किया क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। फिर 21 में तुम 2 ऐड करोगे और 4 से गुणा करोगे, ठीक है, 23 × 4 80 और 12 यानी कितना हो जाएगा, 92, ठीक है। फिर तुम्हारा 92 आ गया, 92 में तुम क्या ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे और 5 से गुना कर दोगे, तो 95 और 95 गुना 5, किसी भी संख्या को 5 से गुना करने का मतलब क्या है,
आधा करके उसको एक टेन से मल्टीप्लाई कर दो, 95 का 90 का आधा 45, 47.5, यानी कि आगे तुम्हारा क्या हो गया 475, यहाँ पे लिख दो 475, ठीक है। फिर 475 जब आ गया तुम्हारा, तो 475 में तुम क्या करोगे, चार जोड़ दोगे और गुना क्या कर दोगे, 6 से गुना कर दोगे, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा 2874, ठीक है। इतना निकल के आ जाएगा 2874, जो कि हमारा क्या होगा, एम का वैल्यू होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 475 प्लस में 4 यानी कि 9, 9 गुना 6 कितना होता है 54, यूनिट डिजिट पे तुम सैटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या, अगला सवाल भी हम लोगों का जो है इसी सीरीज पे बेस्ड है, सीरीज के बेसिस पे ही, क्या सीरीज बोल रहा है, अगले सवाल में देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा, 2 दिए हुए है, 3 दिए हुए है, 10 दिए हुए है, 39 है, 172 है और कितना है 885, ठीक है। और तुम्हें अगला जो सीरीज दिए हुआ है वो दिए हुआ है 5 है, ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है एंड फिर ब्लैंक है और एन है, कितना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां से देखो क्या है, इसका पैटर्न लिख देता हूं मैं, ठीक है। 2 से 3 गया, कंटिन्यूअस टर्म कभी भी होता है तो तुम यहां पे क्या करो, हमेशा 1 × 1 का 1 इनवर्ट 1 का प्लेस को फॉलो करो, ठीक है। यानी क्या है, 2 में गुना 1 कर दो, 1 जोड़ दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 में देखो क्या है, 3 में 2 गुना कर दो 9, 1 जोड़ दो 10, ठीक है। 10 में आप, 10 में तुम्हारा क्या हो रहा है, अब यहां से देखो 10 का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम यहां से क्या करोगे, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दो, ठीक है। 3 × 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 जब तुमने कर दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ देखो 1 है, यहाँ 4 है, अगला देखो तुम्हारा क्या है, 10 में तुम 3 गुना करोगे और तुम क्या ऐड करोगे, 9 ऐड करोगे। ये 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा, गुने 4 करके हम लोग क्या कर लेंगे, 16 कर देंगे, यानी कि 3 के स्क्वायर के बाद क्या 4 का स्क्वायर है, सो और करके हम लोग यहाँ से यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करा के इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो वैल्यू आप लोगों को निकाल देना है, मैंने पैटर्न बता दिया, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अगला में देखो क्या, ए स्टोर हैज राशन फॉर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, एक स्टोर में राशन है कुछ लोगों के लिए, व्हेन द नंबर ऑफ मेन इंक्रीजेस बाय 60, मान लो कि पहले ए आदमी था, ठीक है, और अब जो है ए प्लस 60 आदमी हो जाता है, व्हेन नंबर ऑफ मेन इंक्रीजेस बाय 60, ठीक है, द नंबर ऑफ डेज ऑफ द राशन वुड लास्ट डिक्रीजेस, ऑब्वियस है आदमी जब बढ़ेगा तो हमारा खपत जो है वो कम दिन तक ही चलेगा हमारा। तो मान लो कि पहले हमारा एक्स दिन तक खपत चलता था और अब क्या चल रहा है, हमारा वाई डेज तक खपत चल रहा है, जहां पे एक्स जो है वो क्या है, ज्यादा है वाई से, ठीक है। तो टोटल जो सामग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, a इंटू एक्स, ए प्लस 60 इंटू में क्या वाई, ठीक है। टोटल क्वांटिटी इक्वल टू टोटल क्वांटिटी हमने कर दिया। अब यहां से देखो क्या है, a बटे में a प्लस 60 इज इक्वल टू y बटे में क्या कर दो x कर दो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सवाल में, द कंजम्पशन ऑफ एवरी मैन इज सेम, हर एक आदमी का कंजम्पशन सेम है, व्हाट कैन बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डेज, कौन सा परसेंटेज डिक्रीज हो सकता है नंबर ऑफ डेज में, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, सबसे पहला ऑप्शन हम लोग क्लियर करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है कि 20% का डिक्रीज, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, 20% का डिक्रीज, 20% का डिक्रीज करने का मतलब क्या है, 1/5 फ्रैक्शन होती है, 1/5 का डिक्रीज, 5 अगर हमारा पहले था तो घट गया कितना हो जाएगा 4, यानी कि a बटे में a प्लस 60 इज इक्वल टू 5 अगर हमारा पहले था तो घट के कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहां से तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करके अगर a की वैल्यू परफेक्ट आ रही है, ठीक है, तो ये परसेंटेज सही है, अगर a की वैल्यू डेसिमल वगैरह में आ रही है तो a कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्या बता रहा है तुम्हें, आदमी की संख्या को बता रहा है, तो आदमी कभी भी जो होता है वो डेसिमल में नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करके जब तुम देखोगे तो 5a और 4a चला जाएगा, यानी क्या बचेगा 8, 6 × 4 = 240, यानी a की वैल्यू यहां से कितने निकल के आ गए, 240 निकल गया, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब आ जाओ तुम दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन तुम देखो, सेकंड ऑप्शन तुम्हारा क्या बोल रहा है, सेकंड में है तुम्हारा 77.78%, अब कितना बोलते इसका फ्रैक्शन याद नहीं हो, ठीक है,
77.778% को देखो, 77 का तो फैक्टर को 11 into 7 7 में टूटेगा। अगर तुम्हें मालूम होगा जरा सा भी 11.11% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/9, ठीक है। अगर इधर भी 7 से गुना इधर भी 7 से गुना करो तो देखो 77.77% बराबर में 7/9 हो जाएगा। 7 को क्या किया है, नियरेस्ट में 8 कर दिया, ठीक है। यानी फ्रैक्शन कितनी होगी, 7/9 होगी। अब देख लो यहां से, a by में a plus 60 is equal to, पहले 9 था 7 का कमी हो गया, यानी अब कितना हो गया 2, 9 a और यहां से 2 a, ठीक है। 9 a में 2 a चला जाएगा, कितना बचेगा 7 a, बराबर में 120। a का वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल हो जाएगा। इससे सेकंड ऑप्शन क्या होगा खत्म। अब तुम थोड़ा सा ऑप्शन में आ जाओ, देखो कहां था तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। पहला ऑप्शन तो तुम्हारा ऐसे ही खत्म हुआ, पहला ऑप्शन में तुम्हें क्या बोल रहा है 1 और 3, 3 को हम लोगों ने चेक नहीं किया। दूसरा ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया तुम्हारा, उसमें 2 इंक्लूडेड है। तीसरा हो सकता है, चौथा खत्म हो गया, और ऑल ऑफ देम तो हो ही नहीं सकता है। मतलब तुम्हारा कौन कौन सा बचा, एक फर्स्ट बचा है, एक थर्ड बचा है, दोनों में कॉमन देखो क्या है, तीसरा कॉमन है। अगर तीसरा तुम ढूंढ लोगे तो तुम आंसर बता सकते हो, क्या बता सकते हो, नहीं अभी भी नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि चौथा ना हो, ठीक है। तो यहां से तुम क्या करो, सबसे पहले फोर्थ को ही ढूंढो, ठीक है। फोर्थ में देख लो, फोर्थ में तुम्हारा कितना परसेंट दिए हुआ है, 15% दिए हुए, ठीक है। तो 15% जब दिए हुए है तो a है a plus 60 है, ठीक है। 15% की वैल्यू अगर तुम डायरेक्ट में रखना चाहो तो 100 है तो 15% घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 85। 5 से काट दो कितना बार में 17, 5 से काट दो 20 बार, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 a में 70 नहीं चला जाएगा 3 a, यानी 60 गुने में क्या हो जाएगा तुम्हारा 70। 3 से काट दो 20 बार में a की वैल्यू तुम्हारी निकल के तो आ गई, ठीक है, 70 × 340, ठीक है। ए की वैल्यू निकल के आ गया, यानी चौथा तुम्हारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। चौथा जब करेक्ट हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, एक ही ऑप्शन हमारा बचा है, ऑप्शन नंबर सी। 3 को चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो हम लोगों ने 3 को डाटा को ही चेक किया और आ गया। तो इस तरह टाइप के जितने भी सवाल है, इस तरह सवाल में हम लोग इसी तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो अगला देखो, अगला सवाल है, अगला क्या बोल रहा है सवाल को, बी इन्वेस्ट सम अमाउंट इन अ पार्टनरशिप विद सी हु इन्वेस्ट रुपीज पी। बी जो है सी के साथ कुछ पैसा लगाता है, मतलब क्या है, बी का चर्चा किया हुआ है और सी का चर्चा किया हुआ है, सी का बोल दिया पी रुपया लगाता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 4 मंथ्स लेटर ए आल्सो जॉइन विद 33.33% लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। 33.33 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3, यानी कि B का अगर अमाउंट 3x मान लोगे तो A कितना इन्वेस्ट करेगा, इसका 1/3 कम, यानी कि कितना 2x इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा आगे देखो कंडीशन में आगे क्या बोल रहा है, अगला लाइन तुम्हें बोल रहा है 2x में इन्वेस्ट करेगा, तो फिर क्या बोल रहा है तुम्हारा सवाल में कि B A जो आया वो कब आया, 4 महीने के बाद, ठीक है। तो 4 महीने के बाद आया तो 1 साल में वो कितने महीने के लिए रहेगा, 8 महीने के लिए रहेगा, ठीक है। B का कोई चर्चा नहीं है, 12 महीने के लिए। सी के बारे में देखो आगे क्या बोल रहा है, 3 मंथ बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ 1 ईयर सी विड्रो ऑल हिज अमाउंट, यानी कि सी का जो पैसा लगा वो कितने महीने के लिए लगा, 9 महीने के लिए लगा। कहीं पर भी कटने का कोई जुगाड़ नहीं है तो डायरेक्ट इसे लिख दो 16x रेशियो 36x रेशियो 90, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी इज 66.67% ऑफ बी, ठीक है। A और C का जो प्रॉफिट है B का 66, इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3, A plus C by में B is equal to कितना हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो तुम क्या करो, A B C की वैल्यू रखो, A का वैल्यू रखोगे तुम कितना रखोगे 16x, C का रखोगे 90, B का रखोगे 36x बराबर में 2/3, ठीक है। 16 × 3 करोगे 48x और 36 × 72 उधर चला जाएगा, 9 × 3 कितना हो जाएगा 27p बराबर में 72x हो जाएगा। 27p बराबर में 72 में 42 है, 48 घटा दो, ठीक है, यानी कि 22 और 2 24 बच जाएगा, 24x, ठीक है। यहां से तुम क्या करोगे कि यहां से p बटे में x का रेशियो निकाल, ठीक है। तो p बटे जब x निकालोगे तो ये तुम्हारा निकल जाएगा 3 × 8 बार में 3 × 9, ठीक है। कितना निकल के आ गया, 8/9। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो, A इन्वेस्ट किया था 2x, B C इन्वेस्ट किया था P, ठीक है। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, ये 8 को थोड़ा सा अगर तुम मिटा दो यहां पे, इसको 4 कर दो, इसका 2 कहां आ जाएगा यहां, यानी A और C का हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो मालूम हो गया। A और C का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या निकल के आ गया, देखो तो यहां से A रेशियो में C जब आओगे
तो ए 2x था हमारा, 2x की वैल्यू कितनी है 9 है, p हमारा 4 है, यानी कि 9 से कितना हो गया 4, ठीक है। अब उनसे सवाल में क्या बोल रहा है, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड सी, ए और सी के द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट करा गया उसका रेंज कौन-कौन सा वैल्यू हो सकता है। ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल है, चेक कर लो किन ऑप्शन से तुम्हारा ए और सी का जो है रेशियो तुम्हारा 2:3 आ रहा है, ये 9:4 आ रहा है, चेक करो। जैसे देखो हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों का, देखो तो फर्स्ट में है 5400 बटे में क्या 2400, ठीक है, 0 0 काट दो, ठीक है, 6 से काटोगे 4 बार में, 6 से काटोगे 9 बार में, पहला सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पहला जब सेटिस्फाई करेंगे तो तुम थोड़ा सा दूसरा सेटिस्फाई करा के देखो, दूसरा जब सेटिस्फाई करोगे तो 5850 है और 2600 है, इसको सेटिस्फाई करो, 1010 पूरा 65 से काटोगे ये 4 बार में, 65 से काटोगे ये 9 बार में, यानी कि फिर से तुम्हारा 9 ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम एक एक करके काट के चेक कर सकते हो कि किससे तुम्हारा आंसर आ रहा है, ठीक है, और आंसर आ जाए तुम्हारा चेक कर लेना। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन ही अवेलेबल है, तो तुम अब क्या करोगे, पहला दूसरा देखने के बाद थोड़ा ऑप्शन छाट लो, पहला में हो सकता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन पहला और चौथा है अभी तुमने चेक नहीं किया, तीसरा ऑप्शन क्या है 2 3 4, तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया, चौथा ऑप्शन है और पांचवा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन में क्या है 1 2 3, ठीक है, 1 2 तक तुमने गया, 3 का तुमने अभी नहीं चेक किया, चौथा क्या है ऑल ऑफ देम, यानी कि लिटरली तुम्हारा एक ऑप्शन खत्म हुआ है और ऑप्शन देखने के बाद तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें सारों को चेक करना है, तो चेक कर लोगे, तुम्हारा थर्ड भी सेटिस्फाई कर जाएगा, थर्ड भी तुम्हारा सेटिस्फाई करके 9:4 देगा और फोर्थ जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, फोर्थ जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कौन कौन सा सेटिस्फाई किया, 1 2 3 सेटिस्फाई किया और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, ए मिल्कमैन हैज अ कंटेनर ऑफ 300 लीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि अभी तक हम लोगों ने जितने सवाल किए हैं उसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, ठीक है, एक पार्ट तुम्हारा एनालिसिस के फॉर्म में वो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो था, लेकिन अगर अब तुम यहाँ पे इस टाइम मोमेंट पे क्या करते हैं बच्चे की, अगर 5-6 सवाल हार्ड आ गए तो वहां पे हिम्मत हार जाते हैं, उस टाइप के सवाल को देखना छोड़ देते हैं, देखो इसी के बाद एक कितना आसान सा सवाल है ये तुम देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक मेलमैन के पास 300 लीटर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसकी मात्रा कितनी है 300 लीटर, ठीक है, he fills x percent of the container with pure milk and then y percent of the remaining capacity of the water contains container with water, ठीक है। अब देखो करने का मतलब क्या है कि उसमें जो है कंटेनर में x percent जो है प्योर मिल्क रहता है, अगर 100 है हमारा, ठीक है, 100 का x परसेंट वो प्योर मिल्क दे देता है, यानी कि x लीटर वो अगर मान लो कि 20% वो क्या करता है, x की वैल्यू मान लिया मैंने 20%, ठीक है, 20% वो प्योर मिल्क दे देता है, यानी 20 लीटर वो क्या दे देता है, मिल्क दे देता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि अब कंटेनर कितना खाली है हमारा, अगर 100 लीटर कंटेनर की कैपेसिटी थी, कंटेनर खाली कितना है 8, अब इसका y परसेंट, लेट्स से y जो है हमारा 30% है, तो 80 का 30% जो है वो कैसे भर दे रहा है, वाटर से भर दे रहा है, यानी कि 24 वाटर हमारा चला जाएगा, मतलब क्या है हमारा कंटेनर पूरा पूरी नहीं भरा रहा है, कंटेनर थोड़ा ही भरा रहा है, ठीक है। इसी बेसिस पे हम लोग सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है सवाल में कि ही सेल्स द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे बेचने के बाद प्योर मिल्क को ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 16.67%, 16.67% का वो प्रॉफिट कमाता है जब वो कॉस्ट प्राइस में बेचता है, क्यों कमाता है, ड्यू टू व्हाट, वाटर, वाटर की वजह से कमाता है, ठीक है। तो वाटर तुम्हारा जो हो जाएगा वो वाटर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वाटर, अब यहाँ से देखो वाटर की वजह से जब कमा रहा है तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है 1/6 होती है, ठीक है। तो ये 6 जो है 6 पे वो कितना कमा रहा है, 1 कमा रहा है, तो 6 जो हमारा हो जाएगा वो किसको इंडिकेट करेगा, वाटर को और मिल्क को, सॉरी मिल्क को इंडिकेट करेगा, और हर 6 पे वो कमा रहा है 1 ड्यू टू व्हाट, वाटर, ठीक है, वाटर के वजह से कमा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा हर 6 पे 1, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया 6:1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आगे सवाल में क्या बोल रखा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू कौन कौन सा हो सकता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है तुम्हारा, पहला ऑप्शन में तुमने 60 लिया, ठीक है, पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि 60% एक्स भी परसेंट में वाई भी परसेंट में, जब तुमने 60% लिया तो तुम्हारे पास बचे कितने 40% बचे, 60% क्या चीज को बता रहा है, मिल्क को बताएगा,
40% का जो है तुमने फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, y परसेंट की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। जब तुम्हारा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 60 है, 25 है, दोनों परसेंट में ये x को ये y को इंडिकेट करा रहा है, ठीक है। टोटल अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो 100 का 60% मेरा जो 60% जो तुमने x ले लिया तो बचा कितना 40%। इसका 25% तुम क्या कर रहे हो, वाटर फिल कर रहे हो। इसका फिल निकाल दो 25% करोगे तो 1/4, 1 नीचे 4 ऊपर, परसेंट परसेंट खत्म हो गया। 0 से 0 काट दो, 4 4 काट दो, देखो 6:1 आ गया मिल्क और वाटर। 60% हमारा x मिल्क को इंडिकेट कर रहा है और नीचे वाला फंक्शन जो हमारा y मिल्क और वाटर का रेशियो 1 आ गया। इसी तरीके से तुम दूसरा को भी चेक कर लो। दूसरा में देखो क्या है तुम्हारा, 40 है, 22.22% है, तो 40% जब ले लोगे तो बचेगा तुम्हारा कितना 60, ठीक है। 22.22% 11.11% 1/9 होता है, 22.22% 2/9 होगा, यानी कि नीचे में 2 ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। 20 से 2 बार में, 20 से तुम्हारा कितना बार में 3 बार में, ठीक है। 3 से काट दोगे 3 बार में और 2 से 2 खत्म, यानी कि ये रेशियो क्या रह गया 3:1, जो कि तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। तो 1-2 के बेसिस पे देखो तो कौन कौन सा ऑप्शन है, ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया तुम्हारा, डी भी खत्म हो गया तुम्हारा, तो बचा कौन सा तुम्हारा, सी बचा। एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। बाकी 4-5 चेक करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। 1-2 ऑप्शन सॉल्व करोगे तो आगे का अपने आप तुम्हें खुद पर खुद सॉल्व करना, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला देखोगे। चलो अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है तुम्हारा, ठीक है। क्या बोल रहा है, देयर आर 4 मेंबर इन अ फैमिली, मैन, वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन। 4 लोग हैं एक फैमिली में, जो कि क्या है, मैन, वाइफ और 2 चिल्ड्रन, ठीक है। द वेट ऑफ बॉय इंक्रीजेस बाय 10%, दैट ऑफ गर्ल इंक्रीजेस बाय 12.5%, ठीक है। ये दो चीज कंडीशन तुम्हें दिए हुआ है कि बॉय का वेट जो है वो 10% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। गर्ल का वेट जो है वो कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, 12.5% से बढ़ जाएगा। अगर थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यू में तुम देखोगे तो ये 10% का क्या होता है, 1/10, यानी बढ़ के क्या हो जाएगा 11/10, 12.5% 1/8 बढ़ के क्या हो जाएगा 9/5, ठीक है। आगे देखो अगला क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ पेरेंट इंक्रीजेस बाय 4 kg। एवरेज वेट जो है पेरेंट का वो क्या होता है, 4 kg से बढ़ जाता है, ठीक है, नई कंडीशन में। फिर क्या बोल रहा है, देन द एवरेज वेट ऑफ फैमिली इंक्रीजेस बाय 5 kg। फैमिली का वजन जो है वो क्या होता है, 5 kg से क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो मान लो कि मैन था, वुमेन है, एक बॉय है और एक गर्ल है, इनका एवरेज जो है के है, तो सम क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा हमारा, ठीक है। नए कंडीशन में क्या होगा कि एवरेज जो है पेरेंट्स का, मतलब मैन और वुमेन का, वो 4 kg से बढ़ जाता है, तो वजन कितना से बढ़ेगा, 8 kg से बढ़ेगा, यानी 8 से बढ़ा दो, यानी कि नया वजन क्या हो गया, 8 और बढ़ गया। बॉय जो है ये हो जाता है 11b/10, गर्ल जो है ये हो जाती है 9g/8, ठीक है। और एवरेज जो है वो नया एवरेज क्या हो जाता है, k+5 हो जाता है (×4), ठीक है। यानी कि एवरेज ये हो जाता है, सम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे देखो, अब यहाँ से तुम क्या कर लो, इन दोनों को या तो घटा दो या जैसे वहां पे सॉल्व कर सकते हो कर लो। मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा घटाना ही है, ठीक है। ये वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को घटा देते हैं, m+w+8b+g=4k, ठीक है। जब घटाओगे तुम यहाँ से माइनस 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 एम डब्ल्यू खत्म, 4k और 4k यहाँ से खत्म, तो यहाँ से देखो 11b/10 में b चला जाएगा, क्या बचेगा, b/10, 9g/8 में चला जाएगा, क्या बचेगा, g/8 बचेगा, ठीक है। g/8 कर दो और 8 का 8 लाने दो यहाँ, ठीक है। यहाँ 5 जाए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि b/10+g/8=20/8 चला गया, क्या हो गया तुम्हारा, 12, ठीक है। 20 में 8 कितना चला गया तुम्हारा, 12 हो गया। अब तुम यहाँ से देखो, जो तुमने इतना मेहनत करके यहाँ पे लाया, लिटरली एग्जाम में तुम्हारा दिमाग पर यही काम करेगा। जैसे तुम एक और अप्रोच से समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या हो रहा है कि पेरेंट्स का वेट जो है 8 kg से बढ़ रहा है, और इस तरीके से एवरेज जो है वो तुम्हारा 5-20 kg से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर तुम पेरेंट्स को हटा दो तो तुम्हारा कितना बढ़ेगा, 12 kg से बढ़ेगा। अब ये क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू ये 10% का इंक्रीमेंट हुआ और ये 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट का अगर बात तुम करोगे तो सिर्फ इंक्रीमेंट कितना हो रहा है तुम्हारा, सिर्फ इंक्रीमेंट हो रहा है तुम्हारा 12 kg का। तो इसी चीज को तुम अब डायरेक्ट भी बोल सकते हो यहाँ पे, इसको मिटा के, कि जब हमारा बॉय जो है
बॉय में इंक्रीमेंट 1/10 का हुआ, गर्ल में इंक्रीमेंट 1/8 का हुआ, और इस तरीके से टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ हमारा 12 किलो हुआ। ये डायरेक्ट फंडा है सवाल को अप्रोच करने का, ठीक है। अब तुम यहाँ से देखो थोड़ा सा, अगर एलसीएम ले लोगे 40, 4b प्लस में 5g बराबर में क्या हो जाएगा 12, 4b बराबर में हो जाएगा 12 × 40 माइनस में 5g, ठीक है। ये 4 को हटा के अगर नीचे ले आओगे तो यहाँ 4, यहाँ पे 4, 4 से काट दो 10 बार, यानी b बराबर में तुम्हारा क्या मिल गया 120 माइनस 5g अपॉन में क्या 4। अब तुम इसको या तो ये निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, सेटिस्फाई तुम्हें बस करा है, ठीक है। अब तुम्हें देखो क्या बोल रहा है कि कौन कौन सा बॉय और गर्ल का वेट हो सकता है ये बताने के लिए, तो यहाँ पे भी तुम रख के चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। पहला देखो क्या है तुम्हारा 70 और 40 है, जब बी तुम 70 लोगे, 40 यहाँ पे लेना है, तो 5 × 40 करोगे, 4 से काटोगे 10 बार, यानी 50, 120 में 50 चला जाएगा, यानी कि कितना बचेगा 70, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन में आओ, सेकंड नंबर इक्वेशन क्या है हमारा, बी बराबर में 120 माइनस 5g बटे में कितना है 4 है, ठीक है। फिर आगे देखो सेकंड इक्वेशन, सेकंड पॉइंट में क्या दे रहा है, 45 और 60 के दिए, बी का मान 45, 60 के दिए जब लोगे तो 120 माइनस 5 × 60 बटे में कितना 4, 4 से 15 बार में, 15 × 75 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 बराबर 45, दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा। ऑप्शन में देखो तो तुम जरा सा, ऑप्शन में देखोगे पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, और पांचवा भी हो सकता है, तो दो ऑप्शन पता तुम्हारा, ठीक है। तीसरा में तुम देखो तुम्हारा जो क्या है, तीसरा और पहला में क्या कॉमन टर्म है तुम्हारा, पांचवा वाला जो है वो क्या है कॉमन है, फिफ्थ वाला थोड़ा तुम सेटिस्फाई करके चेक कर लो, ठीक है। फिफ्थ जब सेटिस्फाई करोगे हम लोग सीधा पांचवे में आ रहे हैं, ठीक है। एक ऑप्शन से हम लोग क्या हो जाएंगे फ्री हो जाएंगे, एक ऑप्शन से जब फ्री हो गए तो हमारा क्या हो गया 40 हो गया तुम्हारा। फिर क्या हो रहा है 40 इज इक्वल टू तुम क्या कर लोगे यहाँ पे 120 माइनस 5 × 64 बटे में 4, 4 से 16 बार में, 16 × 5 80, यानी कि 40 आ गया। यहाँ पांचवा भी तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, पहला नंबर ऑप्शन जो है तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम देखो ऑल ऑफ देम और सी में आने के लिए तुम्हें थर्ड को चेक करना है, थर्ड जब तुम चेक करोगे तो थर्ड में क्या आ जाएगा तुम्हारा 80 बराबर में 120 माइनस में 5 × 36 बटे में 4, 4 से 12 बार में 12 × 25 = 60, 120 में 60 चला जाएगा 60, जो कि बराबर नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन तुम्हारा खत्म हो गया, नन ऑफ दीज ऑल ऑफ देम खत्म हो गया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करोगे, तुम सी नंबर मार दोगे, लेकिन वहां पे भी तुम्हारे पास एक चांस है क्या कि हो सकता है कि चौथा गलत हो जाए, तो नन ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे तुम क्या करोगे, लिटरली चौथा को भी वहां पे चेक कर लो, ठीक है। तो चौथा जब तुम चेक करोगे तो चौथा में तुम्हारा क्या है 80 और 36 है, 80 यहाँ पे लिख दिया, 120 माइनस में 5 × 36 बटे में 4, 4 से 9 बार में 9 36 है, ठीक है, 4 से 9 बार में। अब 9 से जब तुम चौथा ये नहीं, ठीक है, फोर्थ है हमारा 55 और 52 के, 55 है, ठीक है, 120 माइनस 5 × 52 बाई में क्या है 4, ठीक है, 4 से काट दो 13 बार में, 13 × 5 = 65 में चला जाएगा 120, यानी कि कितना बचेगा 55 बचेगा, सेटिस्फाई हो रहा है हमारा फोर्थ भी करेक्ट है, यानी 1, 2, 4 और 5 हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल हम लोगों का क्या है, अगला सवाल हम लोगों का DI है, जो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है ऑन कार्ड्स, ठीक है। चलो DI में देखो क्या DI क्या बोल रहा है, DI में देयर आर फोर फ्रेंड्स ABCD एंड ईच हैज अ डेक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का डेक है, ईच ऑफ देम सिलेक्टेड सम कार्ड्स फ्रॉम डेक एंड कीप द रिमेनिंग कार्ड असाइड, बाकी बचे हुए कार्ड को क्या है साइड पे छोड़ दिया। नीचे जो टेबल दिए हुए टेबल बता रहा है रेशियो ऑफ सिलेक्टेड कार्ड टू टोटल कार्ड एंड रेशियो ऑफ ब्लैक टू रेड कार्ड इन सिलेक्टेड कार्ड, सिलेक्टेड कार्ड में ब्लैक और रेड की संख्या को बता रहा है, ठीक है। अब सवाल देखो क्या है, पहला सवाल में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए में आना है, ए में जो रेशियो है हमारा सिलेक्टेड का वो है 9:13, टोटल कार्ड हमारा 52 होता है तो गुने 4 करोगे तो सिलेक्टेड कार्ड क्या हो जाएगा हमारा, सिलेक्टेड टोटल 36 होगा, टोटल हम लोगों ने कितना सिलेक्ट किया 36, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्टिंग अ फेस कार्ड आउट ऑफ द सिलेक्टेड कार्ड इज 1/4, फेस कार्ड का जो प्रोबेबिलिटी दिए हुए है फेस कार्ड का वो कितना दिए हुआ है 1/4, ठीक है,
नीचे हमारा टोटल होता है और ये किस में से दिए हुए है, सिलेक्टेड में से दिए हुए है। तो नीचे 36 बनाने के लिए 9 से गुणा करो तो ऊपर भी 9 से, यानी कि सिलेक्टेड में फेस कार्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब 36 में 9 तुम्हारा क्या हो गया, फेस कार्ड हो गया। तो नॉट सिलेक्टेड टोटल फेस कार्ड, यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान में रखो कि फेस कार्ड जो होता है तुम्हारा किसी भी एक डेक में, टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारा 12, ठीक है। फिर तुम्हारा एस आता है, टोटल एस जो होता है वो होता है 4, और एक होता है नंबर कार्ड, ठीक है। नंबर कार्ड जो होता है वो होता है तुम्हारा 12 4 16, यानी कि कितना, 36, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखो आगे क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर कार्ड फ्रॉम द कार्ड नॉट सिलेक्टेड बाय ए, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर कार्ड नॉट सिलेक्टेड बाय ए इज 3/4। तो टोटल कार्ड जो तुमने सेलेक्ट किया वो 36, तो नॉट सिलेक्टेड वाले कितने हो जाएंगे, नॉट सिलेक्टेड वाले हो जाएगा तुम्हारा 52 माइनस में 36, क्योंकि क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कुछ प्रायोरिटी दिया हुआ है, किसका, द प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर कार्ड, नंबर कार्ड का दिया हुआ है 3/4, ठीक है। नंबर कार्ड का तुम्हें दिया हुआ है 3/4, टोटल 16 है तो 4 से गुणा करो, तो यहाँ भी 4 से गुणा करो, यानी कि 12 नंबर कार्ड होंगे कहां से, नॉट सिलेक्टेड वालों से, ठीक है। टोटल नंबर कार्ड जो है हमारा 36 होता है जिसमें 12 नॉट सिलेक्टेड है, तो नंबर कार्ड जो सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, नंबर कार्ड फ्रॉम कहां से, सिलेक्टेड से, सिलेक्टेड से नंबर कार्ड कितने हो जाएंगे, 36 माइनस 12, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ो, अब देखो तुम्हारे पास मालूम क्या क्या हो गया कि तुम्हारा ए के लिए जो कंडीशन मालूम हो गया है, ए के लिए सिलेक्टेड में फेस कार्ड जो है वो है तुम्हारा 9, नंबर कार्ड जो है वो है तुम्हारा 24, 24 9 कितना होता है तुम्हारा 27, टोटल तुमने 36 कार्ड सेलेक्ट किया। तीन ही चीज की चर्चा होती है, एस जो है तुम्हारा आ जाएगा वो एस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तुमसे सवाल में देखो पूछा क्या आगे, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड कार्ड इन द सिलेक्टेड कार्ड बाय ए, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड कार्ड पूछा है जो ए से सिलेक्टेड है, ठीक है। ए से सिलेक्टेड है का मतलब क्या है तुम्हारा, देखो यहां से कि ब्लैक और रेड का जो रेशियो है 36 में ब्लैक और रेड का जो रेशियो है वो है 5:4, ठीक है। 5 4 9 जब हो जाएगा तुम्हारा, 9 का मान 36 के बराबर, तो 1 का मान 4 के बराबर, तो 4 का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 6। टोटल रेड कार्ड कितने हो जाएंगे मेरे पास, 16 रेड कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। हमसे क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड कार्ड बताना है। अब तुम ध्यान दो कि रेड और ब्लैक में ही चर्चा करना है, अगर मेरे पास 3 एस है, ठीक है, तो हम ब्लैक में ज्यादा ज्यादा कितना एस डाल सकते हैं, टोटल 4 एस होता है, 2 ब्लैक से 2 रेड से, तो ब्लैक में हम 2 डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम रेड कार्ड और वो भी क्या ना होना चाहिए, नंबर्ड वाला, ठीक है, नंबर्ड वाले, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, टोटल 16 है तो एक तो हमारा एस हो जाएगा, तो एक क्या कर दिया हम लोगों ने, घटा दिया, ठीक है। अब आज हम नंबर कार्ड छोड़ दो, फेस कार्ड में बात करते हैं। फेस कार्ड टोटल 12 होता है, 6 ब्लैक से 6 रेड से, तो एटलीस्ट हमको 6 ही डाल सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग 6 ही डाल सकते हैं ब्लैक में, एटलीस्ट हम लोग को 3 उठाना ही पड़ेगा रेड के लिए, तो 3 जो है और घटा दो, तो 3 जब घटा दोगे 3 1 4 16 में चला जाएगा, यानी कितना बचेगा, 12। ये 12 ऐसे मैक्सिमम कार्ड हम लोग ले सकते हैं जो कि क्या होंगे, नंबर कार्ड होंगे। इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 12, ठीक है। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला मैं देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिलेक्टिंग अ नंबर कार्ड, तो बी में देखो सबसे पहले रेशियो जो दिए हुआ है वो रेशियो दिए हुआ है 11:13, ठीक है। 13 4 52 11 4 कितना हो जाएगा, 44, यानी कि मैंने जो सेलेक्ट किया वो कितना कार्ड सेलेक्ट किया, 52 टोटल था, जिसमें से कि 44 हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो नॉट सेलेक्ट वाले कितने हो जाएंगे, नॉट सेलेक्टेड वाले हो जाएंगे बी में, हम लोग बी का बात कर रहे हैं, ठीक है। बी में नॉट सेलेक्टेड वाले हो जाएंगे 13 2, ठीक है, 8 कार्ड, ठीक है, 8 कार्ड हो गए नॉट सेलेक्टेड वाले। अब आगे देखो आगे क्या होगा सवाल में, ठीक है। Probability of B selecting numbered card from the selected card is 9/11, ठीक है।
नंबर्ड कार्ड का जो प्रोबेबिलिटी है, या शॉर्ट में लिख दूं नंबर कार्ड को, हम ऐसे लिख रहे हैं नंबर कार्ड, ठीक है, 9/11 है, टोटल 44 है, नीचे भी 4 से गुना, ऊपर भी 4 से गुना, यानी कि ऊपर क्या हो गया 36, नंबर्ड कार्ड कितने निकल के आ गए, 36 निकल के आ गए, ठीक है, यानी कि 44 में से 36 हमारे क्या है, नंबर कार्ड है। अगर इसी ग्राफ को तुम अगर ध्यान से देख रहे हो तो 44 में से 36 जो है हमारे क्या है, नंबर कार्ड है, बचा कितना हमारा 8। अब इस 8 में क्या क्या है ये देखो, ये सब इस कार्ड में ही होगा। आगे क्या दे रखा है तुम्हारा सवाल में, दैट सी ऑफ सेलेक्टिंग अ नॉन फेस कार्ड फ्रॉम सेलेक्टेड कार्ड इज 8/13, सी का भी चर्चा किए हुए। सी में भी तुम देखोगे रेशियो जो दिए हुए हैं 1:2 में है, 2 का मान 52 के बराबर, तो 1 का मान कितना के बराबर, 26, यानी सेलेक्टेड जो हो गया 26, नॉट सेलेक्टेड भी क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से फेस कार्ड ना हो 8/13 है, तो फेस कार्ड होने का कितना हो जाएगा, 5/13, होना नहीं होना दोनों जोड़ के क्या होता है 1, तो होने का 8/13, 1 में घटा दो 8/13, 5/13 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यानी कि फेस कार्ड का अगर तुम प्रोबेबिलिटी देखोगे, फेस कार्ड के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5/13, ठीक है, 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, यानी कि कितना हो गया ऊपर में 10, फेस कार्ड कितना निकल के आ गया, सी में 10 निकल के आ गया, ठीक है। आउट ऑफ 26 कार्ड फेस कार्ड जो है वो 10 है, तो बाकी बचे 16 कार्ड का है, ठीक है। अब देखो क्या है, द रेशियो ऑफ ब्लैक फेस कार्ड टू रेड फेस कार्ड इन सेलेक्टेड कार्ड विद सी इज 2:3:2, फेस कार्ड जो है इसी में ब्लैक और व्हाइट का जो ब्लैक और रेड का जो रेशियो है 3:2 में है, 3:5 का मान 10 के बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। फिर आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ एसेस इन रिमेनिंग कार्ड इज नॉट सेलेक्टेड बाय 3, जो नंबर ऑफ एसेस है रिमेनिंग कार्ड में वो नॉट नहीं सेलेक्ट किया गया था, वो 3 था, ठीक है। एसेस जो नहीं सेलेक्ट किया, 8 में जो है 3 एसेस को सेलेक्ट नहीं किया गया, तो बाकी फेस कार्ड जो है वो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, ठीक है। जब एसेस टोटल हमारा 4 होता है, 3 सेलेक्ट नहीं हुआ, तो सेलेक्ट कितना हुआ होगा 1, तो एसेस जो सेलेक्ट हुआ होगा 1, बाकी फेस कार्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। यानी बी का जो है हमारा क्राइटेरिया निकल गया, अब सी में आता है, सी में देखिए क्या बोलता है, सी में बोल रहा है तुम्हारा फेस कार्ड यहाँ पे 3 और 2 दे दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल ऑफ रेड कार्ड, रेड फेस कार्ड सिलेक्टेड बाय बी एंड सी, बी और सी से मैक्सिमम कितने रेड कार्ड सिलेक्ट हो सकते हैं, तो सी से तो तुम्हें मालूम है रेड कार्ड कितना है तुम्हारा 4 है, बी में तुम्हारा रेड फेस कार्ड कितना हो सकता है। अब ये फेस कार्ड तो तुम्हारा है बी में टोटल आया है, जिसमें तुम्हारा ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम में तुम बी में रेड कितना डाल सकते हो, रेड 6 डाल सकते हो, ये कितना डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, ठीक है। जब तुम यहाँ बी में 6 ही डाल सकते हो, यहाँ सी से तुम्हारा 4 मालूम ही है, तो टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा 6+4, और यही से हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10। इसी के साथ हमारा आंसर जो है 10 है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, देर आर 5 फेस कार्ड इन द कार्ड नॉट सेलेक्टेड बाई डी फ्रॉम द डे, तो डी का कंडीशन क्या हम लोगों का, डी के लिए देखो तो क्या क्या दिए हुए है, डी में जो सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड का रेशियो है 8:13, इसमें 52 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे 4 से गुना, 8 कितना हो जाएगा 32, यानी सेलेक्ट हो गए 32, तो नॉट सेलेक्टेड जो निकल जाएगा, नॉट सेलेक्टेड कितना निकल जाएगा हमारा, नॉट सेलेक्टेड निकल गया 20, ठीक है। अब यहां से देखो आगे क्या बोल रहा है, इस 20 में क्या चर्चा किया, 5 फेस कार्ड आर इन द कार्ड्स नॉट सेलेक्टेड, इसमें जो है 5 जो है वो क्या है हमारे फेस कार्ड है, ठीक है, 5 फेस कार्ड सेलेक्ट नहीं हुआ, डी के डेक में टोटल फेस कार्ड 12 होगा, तो जो 32 में सेलेक्ट हुआ होगा, 32 में जो सेलेक्ट हुआ कितना कार्ड फेस कार्ड सेलेक्ट हो गया, फेस कार्ड सेलेक्ट हो गया 7, ठीक है। बाकी जो बचे 25 उनका भी कुछ पता नहीं है, उन्हीं को पता करना है। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रेड फेस कार्ड फ्रॉम द सेलेक्टेड कार्ड बाय डी इज 1/8, रेड फेस कार्ड का जो प्रोबेबिलिटी दिए हुए है, रेड फेस कार्ड, ठीक है, रेड फेस कार्ड का देखो तो क्या दिए हुए है, प्रोबेबिलिटी दिए हुए है 1/8, टोटल कितना है हमारा सेलेक्टेड में 32, इसको बनाने के लिए 4 से गुना, तो ये भी 4 से गुना, यानी कि कितना आ गया ऊपर में 4, फेस कार्ड कितने निकल के आ गया रेड कलर वाले 4,
तो रेड वाले जो हो गए वो हो गए 4, ब्लैक वाले जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखो और क्या दे रखा है सवाल में, आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग आर नंबर कार्ड फ्रॉम कार्ड्स नॉट सेलेक्टेड ऑफ डी इज 0.7, नॉट सेलेक्टेड से नंबर कार्ड फ्रॉम नॉट सेलेक्टेड, ठीक है, नॉट सेलेक्टेड से नंबर कार्ड का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 7/10, ठीक है, कितना दिया हुआ है 7/10 दिए हुए, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 7/10, नॉट सेलेक्टेड वाला टोटल कितना है 20, डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, 2 से आया भी 2 से, यानी कि नॉट सेलेक्टेड वाले नंबर कार्ड कितने हो गए, नंबर कार्ड नॉट सेलेक्टेड वाले हो गए 14, जब नंबर कार्ड नॉट सेलेक्टेड वाले 14 हो गए टोटल हमारा 36 है, 14 में 36 चला गया कितना बचेगा 22, यानी कि 22 हमारे जो होंगे इस 25 में से सेलेक्टेड नंबर कार्ड होंगे, एस की संख्या निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई 3 निकल के आ गई, ठीक है। अब आगे देखो आगे और क्या दे रखा है, अब बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रेड कार्ड इन डी सेलेक्टेड कार्ड, ठीक है, डी में मिनिमम नंबर ऑफ रेड कार्ड कितना है ये बताना है। रेड फेस कार्ड हमारा जो निकल के आया था वो 4 निकल के आया था, ठीक है, अब रेड फेस सॉरी डी में क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ नंबर्ड रेड कार्ड, नंबर रेड कार्ड की संख्या बतानी है आपको। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देते हैं, नंबर्ड में बताना है, नंबर्ड तुम्हारा कितना है 22 है, इसी में मिनिमम कितना नंबर है ये बताना है, ठीक है। मिनिमम कैसे बताएंगे, यहां पे देखो तुम रेड और ब्लैक का अगर तुम रेशियो देखोगे 32 में, तो रेड और ब्लैक का रेशियो 3:5 कितना में है, 5 में है, 5 3 8 8 का मान 32 के बराबर, तो 1 का मान कितना के बराबर हो जाएगा 4, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 तुम्हारा रेड कार्ड है। अब 20 जब तुम्हारा रेड कार्ड है तो यहाँ पे तुम देखो ये हो गया तुम्हारा ब्लैक, ये हो गया तुम्हारा रेड, ठीक है, 20 रेड कार्ड है। अब नंबर्ड कार्ड इसमें से कितने हैं ये मिनिमम वो भी बोल रहा है, तो यहाँ से देखो रेड फेस कार्ड जो है तुम्हारा वो कितना है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कितना है 4, ठीक है, तो रेड फेस कार्ड तुम यहाँ से क्या कर दिए 4 कर दिए। अब अगर एज का बात करते हैं हम लोग, ठीक है, 20 में सबसे पहला चीज जो मालूम हो गया हमको वो क्या मालूम हो गया, 20 में 4 घटेगा, ठीक है, 20 में 4 चला गया यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। अब एज में आते हैं, एज हमारा टोटल 4 होता है जो कि 2 रेड से होता है 2 ब्लैक से होता है, ठीक है, मिनिमम हमको करना है, मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को डाल देंगे रेड में, 2 को डाल देंगे किसमें ब्लैक में, सॉरी 1 को डाल देंगे ब्लैक में और सॉरी 1 को डाल देंगे रेड में ब्लैक में, और एक सेकंड क्या बोला है, मिनिमम करने के लिए हमको डी का नंबर कार्ड मिनिमम निकालना है, मिनिमम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर में हम लोग क्या कर देंगे मैक्सिमम डाल देंगे, रेड में हम मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं 2 डाल सकते हैं, ठीक है, तो रेड टोटल हमारे पास 3 एस है, 3 में हम 2 रेड दे दिए तो 1 क्या हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा, हमको मेन रूप से रेड पे जाना है, 4 मैक्सिमम रेड फेस कार्ड हमारा हो चुका है, मैक्सिमम एस हम रेड कितना कर सकते हैं 2 ही कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 2 रेड एस जो है 2 रेड से होगा, 2 कहां से होगा ब्लैक से होगा, ठीक है, तो 2 रेड जब हमारा मैक्सिमम चला गया यहां पे तो 2 और घटा देंगे हम लोग यहां पे 4 2 6 घट जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 14, यानी मिनिमम नंबर ऑफ नंबर्ड कार्ड जो निकल के आ गया रेड कलर का वो कितना निकल के आ गया 14 निकल के आ गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये डीआई समाप्त होता है, आगे चलते हैं अगला सवाल हम लोग का, अगला डीआई क्या होगा, ठीक है, चलो फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, एक कैसलेट बेस्ड डीआई है, उसमें देखो क्या दे रखा है, अजीम रतन एंड मुकेश स्टार्टेड अ बिजनेस, अजीम रतन और मुकेश जो है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं अजीम रतन एंड मुकेश, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने यहां पे, ठीक है। अब यहां से तुम देखो आगे क्या दे रखा है, अजीम रतन एंड मुकेश इन्वेस्टेड 1,20,000 ईच इनिशियली। देखो इस सवाल में जब भी तुम्हें इस तरीके का कुछ मिले 1,20,000 जो भी मिले ईच बोल दे, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो जितना भी जीरो है सब जीरो को साइड कर दो, तुम इसे लिटरली 12 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, और आसान चाहिए तो आगे परसेंटेज देख लो, परसेंटेज किस किस टर्म में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मान लो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 12 लेके ही सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग में मान लिए सब लोग जो है 12 रुपए से क्या करता है शुरुआत करता है, ठीक है, उतना लंबा चौड़ा मानने का कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर 6 मंथ मतलब 6 महीने तक इन लोगों का इतना पैसा रहा होगा, ठीक है, 6 महीने तक इन लोगों का जो है इतना पैसा यहाँ पे रहा होगा ऑलरेडी,
ठीक है, ये 6 महीने का था। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 6 मंथ अजीम इंक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 50% फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने के लिए, ठीक है, अगले 6 महीने के लिए अजीम क्या करता है, 50% बढ़ा देता है, 12 का 50% होता है 6 रुपया, बढ़ा देगा यानी कि कितना हो जाएगा 18 रुपया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, रतन रिड्यूस हिज इन्वेस्टमेंट बाय 50%, 12 का 50% 6 से कम कर दिया यानी कितना हो गया 6 हो गया अगले 6 महीने के लिए, एंड मुकेश इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ वाज एवरेज ऑफ अजीम एंड रतन, अजीम और रतन के एवरेज के बराबर है, 18 और 4 6 कितना हो जाता है 24, 24 भागा दो कितना हो जाएगा 12, यानी कि इसके इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव नहीं आया, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है अगले 6 महीने के लिए 12 है, ठीक है। इतना डेटा हम लोग को पता चल गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ कितना, अब इसके बाद देखो क्या है, तुम्हारा सवाल आ जाता है, अब इतना डेटा तो हम लोगों ने निकाल लिया टेबुलर फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, अब यहां से सवाल देखो क्या बोल रहा है, इफ फॉर 6 मंथ आफ्टर दैट मेंशनड इन द अबव इंफॉर्मेशन, फिर 6 महीने के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बाद अजीम एंड मुकेश इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाय 50% एंड रतन कीप हिज इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, रतन जो है वो 6 का 6 ही रहने दिया और अगले 6 महीने के लिए, जो कि हमारा सवाल है, ठीक है, यहां तक जो है हमारा दिए हुआ था ग्राफ में, मतलब जो कैलकुलेट था उसमें, अब उसके बाद सवाल में बोला कि अगले 6 महीने में रतन इतना ही रहता है, ये दोनों 50-50% बढ़ जाता है, फिर 18 का 50% 9, 18 में 9 जुटेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 27, 12 में 6 जुटेगा यानी कितना हो जाएगा 18, इतना कहानी तुम्हारा आ गया। अब आगे देखो और आगे क्या बोल रहा है सवाल में, रतन के देन व्हाट इज द शेयर ऑफ रतन प्रॉफिट, रतन का प्रॉफिट में शेयर कितना है ऑफ रुपीज 12340, ठीक है, कितना में रतन का आपको क्या बताना है, प्रॉफिट शेयर बताना है। अब तुम यहां पे ध्यान दो, ये भी 6 महीना, ये भी 6 महीना, ये भी 6, ये भी 6 महीना, ये भी 6, ये भी 6, सब जगह टाइम जो है हमारा क्या है कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट होता है टाइम लिखने का भी कोई जरूरत नहीं, सारा क्या हो जाएगा रेशियो में कट जाएगा, तो सीधा सीधे तुम क्या करो ऐड कर दो, यहां से ऐड कर दो 18 20 कितना हो जाएगा 30 और 30 और 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा 57, ठीक है। रेशियो 6 12 12 दुना कितना हो जाएगा तुम्हारा 24, रेशियो 18 12 कितना हो जाएगा 30 और 30 और 12 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है, हो गया यहां पे 42। किसका निकालने के लिए बोला तुम्हें, रतन का निकालने के लिए बोला, तुम थोड़ा सा ध्यान दो, 57, 24 और 42 इन तीनों को जब तुम ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद तुम्हें मिलेगा 123, जिसकी वैल्यू दी हुई है तुम्हें 123 एंड 40, ठीक है, 123 1 2 3 4 0, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पे 4 0 हो जाएगी, हमें निकालना किसका था, इस 24 का मान निकालना था, इस 24 की वैल्यू कितनी हो गई 24 पे 4 0 और यही हमारा आंसर है, बड़ा ही आसानी से सवाल सॉल्व हो गया, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रैक्टिस सवाल को इसी तरीके से अप्रोच लेना, आप तो मैं 1,20,000 करके चलोगे तो तुम देख लो कितना ज्यादा लंबा देखने में डरा था और सॉल्व करने में तो खैर जो है सही, ठीक है, इसे तुम कुछ भी कोई भी डेटा लेकर सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब ये इन्वेस्टमेंट हमारा तीनों का इक्वल है तुम इसे 100 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, इसे 50 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जो तुम्हारा मन उसे लेके सॉल्व कर लो, जिसे सॉल्व करने में कन्वीनियंट, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे चलते हैं अगला क्या है, ठीक है। अब जो दिए हुआ था हमारा कैलकुलेटर में उसे नहीं मिटाएंगे, जो हम लोगों ने सवाल के लिए सॉल्व किया उस सवाल के लिए हम उसे मिटाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखो क्या दे रखा है 14 नंबर सवाल में, आफ्टर द पीरियड मेंशन इन द अबव टेबल, जो पीरियड मेंशन है अजीम कीप हिज इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, अजीम जो है अपना इन्वेस्टमेंट क्या है कांस्टेंट रखता है आगे के लिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अजीम जब कांस्टेंट रखा, फिर बोल रहा है आपको सवाल में, अजीम कांस्टेंट एंड लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ, मतलब क्या है, आगे जब बिजनेस बढ़ा तो ये 5 महीने तक चला, मतलब ये 6 महीने तक और ये 6 महीने तक, अब टाइम जो है हमारा क्या है मैंडेटरी है, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे, ये भी 6 महीने तक और ये भी 6 महीने तक, आगे क्या बोला है सवाल में, आगे बोल रहा है कि लेफ्ट द बिजनेस 5 मंथ, रतन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू 4 टाइम्स एंड लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ, 4 गुने से बढ़ जाता है तो 6 गुने 4 क्या हो जाएगा 24 और 8 महीने तक ये रहेगा, ठीक है। फिर आ जाओ, ये भी 6 महीना हो गया, ये भी 6 महीना हो गया, आगे देखो क्या दे रखा है तुम्हें सवाल में, आगे क्या बोल रहा है सवाल में तुम्हारा कि 8 महीने हो गए, मुकेश क्या करता है डबल कर देता है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनली क्विट आफ्टर 10 मंथ, ठीक है, डबल कर दिया 24 कर दिया और कितने महीने के बाद क्विट कर जाता है 10 महीने के बाद वो क्या कर जाता है क्विट कर जाता है, ठीक है, ये हो गया मुकेश का। अब तुम्हें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर, ठीक है, शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन व्हाट रेशियो विल द शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, खत्म हो गया यहां से, कर दो यहां पे, तुम क्या करोगे रेशियो निकालने के लिए इसे 12 गुने 6 लिख दो यहां पे, रेशियो 18 गुने सॉरी प्लस कर दो यहां पे 18 गुने 6
फिर प्लस कर दो 18 गुने 5, ठीक है, रेशियो 12 गुने 6 प्लस में 6 गुने 6 प्लस में 24 गुने 8, ठीक है, फिर रेशियो यहाँ पे 12 गुने 6 प्लस में 12 गुने 6 प्लस में 24 गुने 10, जहां जहां से 6 6 वगैरह कट रहा है उसे काट दो, देखो 6 लगभग में हर जगह से कट जाएगा, 6 6 6 से 3 बार में, 6 6 और 6 से 4 बार में, 6 6 और 6 से 4 बार, ठीक है, इतना जगह से ये तुम्हारा कट गया, ठीक है, अब तुम थोड़ा सा और कुछ मेहनत करो तो कट सकता है, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही रहने दो। 12 और 18 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 18 30 हो जाएगा, और 5 किया कितना हो गया 15, 30 और 15 कितना हो गया 45, यानी कि पहला जो मिल गया हम लोगों को वो क्या मिल गया 45 मिल गया। अब तुम थोड़ा सा ऑप्शन में ध्यान दोगे तो ऑप्शन में तुम्हारा एक ही ऑप्शन है डी नंबर, ठीक है, 45 16, यहाँ पे लेकिन एक नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन आ जाता है तो थोड़ा सा चांस ले सकते हो तुम कि इसे सॉल्व करने में ज्यादा मेहनत नहीं होगा, अगर नन ऑफ दिस ना रहे तो एक ऑप्शन ऑप्शन देख के भी तुम थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 हो जाएगा 32 है, ठीक है, 32 और 6 क्या हो जाएगा तुम्हारा 38, 32 और 6 तुम्हारा 38 एंड 12 जब तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारा वो दे देगा 50, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया 50 हो गया, दूसरा भी मैच कर गया तुम्हारा। फिर यहाँ पे देखो 12 फिर 12, 12 12 कितना 24 और 24 गुणे 40 कितना 24 और 40 कितना हो जाएगा तुम्हारा 64, यानी कि फाइनली हमारा रेशियो जो निकल के आ गया 45 50 और 64, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर द पीरियड मेंशन इन द अबव इंफॉर्मेशन, अबे दिए हुए इंफॉर्मेशन में जो है उसके बाद का जो मेंशन टाइम है, अजीम रिड्यूस्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 50% फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीनों के लिए अजीम जो है अपना पैसा जो है 50% से घटा देता है, तो घटा देने का मतलब क्या हो जाएगा 9 रुपया 6 महीने के लिए अगले लगाएगा। फिर क्या बोला है सवाल में कि रतन जो है इंक्रीज करता है 100% से, 100% का मतलब क्या डबल कर देता है, तो 12 रुपया हो जाएगा उसका अगले 6 महीने के लिए। फिर क्या बोल रहा है मुकेश जो है वो इन्वेस्टमेंट सब कांस्टेंट रहता है अगले 6 महीने तक, ठीक है 12 रुपए ही रहेगा 6, अभी देखो जितना देगा 6 है 6 6 6, भी टाइम कांस्टेंट है सब जगह से काट दो। अब यहां से तुम्हें एक निकालने के लिए क्या बोल रहा है, इफ द रतन प्रॉफिट इज 50,000 देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल 3%, सभी का प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है। तो यहां पे देखो 12 18 कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 और यहां कितना 39, रेशियो 12 दुना 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर रेशियो 12 दुना 24 और 12 कितना 36, ये रेशियो आया 3 से कट गया 13, 3 से कट गया 10, 3 से कट गया कितना 12 बार में, सॉरी हाँ 12 बार में, तो रेशियो फाइनली आ गया 13 10 और 12, 10 का ही मान तुम्हें दिया हुआ है 5000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 500 हो जाएगा, 1 का मान जब 500 हो गया तो टोटल पूछा है तुमसे 13 10 13 12 जब तुम करोगे तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, यानी 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 गुने में 500 जो कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 17500, कितना 5000 था 50000 था, सॉरी ठीक है ये 5000 कर दो ये 5000 कर दो 10 और बढ़ा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा 17500। इसी के साथ हमारा ये कैलकुलेटर भी खत्म होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे जो हम लोग का डीआई क्या बोल रहा है डीआई देखते हैं, ठीक है चलो देखो क्या अगला आगे का हम लोग का जो है वो है DI है 17 to 21। देखो कोई भी DI बनाने से पहले उसका एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना कि इंस्ट्रक्शंस बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ सवाल में क्या होता है इंस्ट्रक्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, रेफर द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ग्राफ शोज द रेवेन्यू अर्नड इन करोड़ बाई 4 कंपनीज, कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट नहीं है, इन 5 ईयर, ठीक है। ग्राफ जो दिखा रहा है वो किस चीज का ग्राफ दिखा रहा है, रेवेन्यू अर्नड का ग्राफ दिखा रहा है 4 कंपनी का, ठीक है। अब देखो पहला सवाल इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा सा समझा दो, ये जो भी ग्राफ दिया हुआ है रेवेन्यू अर्न का दिया हुआ है, पैसा जब हम लोग के पास आता है रेवेन्यू अर्न का मतलब क्या, जो पैसा आया हमारे पास, ठीक है, तो जब भी कोई पैसा हमारा आता है तो उसको हमेशा हम लोग सेलिंग प्राइस से रिलेट करेंगे और जो पैसा खर्च करेंगे उसको कैसे रिलेट करेंगे, सीपी से रिलेट करेंगे, सवाल बड़ा ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प वाज सेम फॉर ऑल द ईयर दैट इज 240, हर एक साल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या था 240 का, मतलब हर एक साल जो सीपी है वो कितना हो गया 240 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रॉफिट अर्न इन द फर्स्ट 3 ईयर एंड द प्रॉफिट अर्न इन द नेक्स्ट 2 ईयर, दो साल में जो प्रॉफिट अर्न हुआ बाद के 2 साल और पहले के 3 साल में, इसका हमें क्या निकालना है डिफरेंस, बड़ा ही आसान सवाल है। एसपी निकालो तीनों साल का ग्राफ के अकॉर्डिंग, हीरो मोटर का आपका जब तुम देखोगे तो कितना है 310 है,
350 है और 380 है, ठीक है, जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस जो निकला हमारा वो सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा हमारा 1040, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सीपी में, सीपी का बात करते हैं, सीपी हमारा कितना है 240, तीन साल के लिए क्या हो जाएगा 240 गुने 3 यानी कि 4, 2, 3, 6, 720 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारा, प्रॉफिट हो रहा है 320 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा प्रॉफिट निकल गया 320। अब बात करते हैं आगे के दो साल के, आगे के दो साल में तुम देखो 340 और 375 है, 340 और 375, ठीक है, जब ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 715 हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या निकल गया सेलिंग प्राइस। अब सीपी में बात करते हैं तो 240 गुने 2 कर देंगे तो 480 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 715 480 का डिफरेंस, यानी कि तुम्हारा 35 और 2 235 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 235 जब निकल के आ गया तो तुमसे सवाल में क्या पूछा था, इन्हीं दोनों का क्या निकालना है तुम्हें डिफरेंस, साफ साफ दिख रहा है इधर से 65 इधर से 20 यानी कि डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 85 करोड़ रुपीस, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो कितना है 85 करोड़, ठीक है। बड़ा ही आसान सा सवाल था, देखो डीआई का खास बात क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि हर एक सवाल आसान हो, तो डीआई अगर समझ में आ जाए ना आसानी से, कोई भी डीआई अगर समझ में आ जाए आसानी से कि हाँ ये मेन, खास करके मैं मेन से बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर ये तुम्हें लग रहा है कि हाँ बड़ा आसानी से मैंने डाटा समझ लिया कि इसमें ये करना है इसमें करना है, तो अगर पहला सवाल हार्ड लगे तो दूसरा पढ़ के जरूर देखना, एटलीस्ट दो सवाल उसमें बड़ा ही आसान होगा, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन उसमें 2 या 3 सवाल जरूर आसान होते, उससे करके तुम अपने स्कोरिंग को बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो अगला सवाल क्या हम लोगों का, अगला है हम लोगों का कि इफ निर्मल प्रोड्यूसेस 12 लाख सोप बार्स इन अ मंथ इन 2011, ठीक है, 2011 में 12 लाख सोप प्रोड्यूस करती है हर एक महीने में, तो 2011 का बात करते हैं, ठीक है, 12 लाख प्रोड्यूस करता है हर महीने में, तो साल में कितना करेगा 12 गुने 12, ठीक है, 2012 में जो है, 2012 में जो है वो 15 लाख सोप बार प्रोड्यूस करता है, तो 2012 में 15 लाख सोप प्रोड्यूस करता है हर एक महीने, तो साल में कितना 12, ठीक है, 12 से गुणा कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस प्रोडक्शन ऑफ ईच सोप बार इज 60 इन 2011, ठीक है, ईच सोप बार का कितना है 60 है, तो 60 जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें मल्टीप्लाई होने के बाद देगा 86 लाख है, जीरो है यानी कि 86.4 करोड़ रुपीस दे देगा, ठीक है, कितना दे देगा 86.4 करोड़। अब यहां से आगे बढ़ो, आगे देखो क्या दे रखा है, आगे बोल रहा है तुम्हारा सवाल में कि 2012 में जो है ये कितना, 2012 में जो दिए हुए है ये कितना दिए हुए है तुम्हारा 50 करोड़ दिए हुए है, तो 50 करोड़ का मतलब क्या हो गया यहाँ 50 से जब तुम मल्टी सॉरी 50 करोड़ नहीं रुपीज 50 है ईच सोप का प्रोडक्शन, 15 लाख सोप 12 महीने मतलब पूरा एक साल में 50 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा 15 गुने 12 180 गुने 50 यानी कि कितना हो गया 90 करोड़ हो गया, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया हमारा, ठीक है। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया हमारा तो अब यहां से देखो क्या बोल रहा है सवाल में कि इफ सॉरी क्या बोल रहा है सवाल में एंड द कंट्रीब्यूशन बाय सेलिंग दिस सोप बार इज ओनली 18% ऑफ द टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय इन द एंटायर 2011, कंट्रीब्यूशन जो है सेलिंग प्राइस पे वो क्या है सिर्फ 18% है, तो 18% 2011 में देखो तो कितना है 2011 में जब तुम देखोगे तो सोप का जो है निर्मा का वो कितना है 570, 570 का जब तुम 18% निकालोगे तो 570 का जब तुम कितना परसेंट का टोटल क्या बोल रहा है ना कंट्रीब्यूशन बाय सेलिंग दिस सोप बार इज ओनली 18% ऑफ द टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय कंपनी इन द एंटायर ईयर, पूरा साल में कितना है पूरे एंटायर ईयर में 18% की है मात्र, तो 18% का जब बात करोगे तुम जिसका 18% निकाल दो तो 18% तुम्हें क्या देगा यहां से 102.6, ठीक है, 102.6 क्या निकल गया 6 करोड़ निकल गया, ठीक है। आगे देखो तुम्हारा आगे कितना दिए हुआ है, आगे क्या बोल रहा है सवाल में कि 2012 में जो है वो 23% है, तो 2012 में कितना है तुम्हारा 500 है, 500 का 23% निकाल दो, 500 का 23%, 23/100 कितना हो जाएगा 500 का 23, 5 किया 15 5 10 यानी कि 115 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, 115 करोड़ जब तुम्हारा यहाँ से हो गया तो अब आगे तुमसे सवाल में क्या बोल रहा है देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो टोटल प्रॉफिट निकालने के जब तुम इसे ऐड करोगे तो ये तुम्हें देगा 6527 और फिर कितना 1112 217 दशमलव में कितना
6 करोड़, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने एसपी निकाला उस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, सीपीवी निकालेंगे। सीपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, 6, 8, 16, 17 इतना करोड़ हो गया। अब इन्हीं दोनों का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। घटा दो, घटा देने के बाद तुम्हारा कितना आ जाएगा, 41.2 करोड़ आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है 41.2 करोड़, ठीक है। तो लिटरली इस सवाल में भी कोई कैलकुलेशन नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन और थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन, जो कि नॉमिनल सा कैलकुलेशन है, तुम कर सकते हो इससे आसानी से, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या था, इजीएस्ट सवाल था, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या है, अगला क्या बोल रहा है 19 नंबर में, इफ द रिवेन्यू ऑफ एशियन पेंट्स इंक्रीजेस बाय 20%, 30%, 10%, 18% इन 2011, 12, 13, 14 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इतने इतने साल में रेवेन्यू जो है बढ़ जाए। अब दिख रहा है तुम्हें इतना सारा डेटा तुम्हें दिए हुआ है, ठीक है। इतना सारा जब डेटा दिए हुआ है तो तुम्हें लग रहा है कि सवाल में लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन तुम्हें झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे ही तुम्हें मिले तो वहां पे इस सवाल को तुम क्या करोगे, स्किप करके निकल जाओ। हर एक सवाल जरूरी नहीं होता है तुम्हारा बनाने के लिए, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, उसी तरीके से उषा इंटरनेशनल में भी बोला इतना इतना से बढ़ जाता है, विद द एक्सपेंडिचर बीइंग 73, एशियन पेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 730 करोड़ है हर साल, और उषा का जो है 680 है। तो तुम्हें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय एशियन पेंट टू द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय उषा इंटरनेशनल। तो सबसे पहले तुम रेवेन्यू इंक्रीज कराओगे, इंक्रीज करा के सारे रेवेन्यू को ऐड करोगे तुम किसका, एशियन पेंट का। फिर इंक्रीज करा के तुम वहां से सीपी 730 है, टोटल 5 साल है, 730 गुने 5 करोगे, एशियन पेंट का रेवेन्यू ऐड करोगे तो टोटल एसपी निकल गया, टोटल सीपी निकल गया, 730 गुने 5 डिफरेंस निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट निकल जाएगा। सबसे बड़ा मेहनत यहां पे। फिर तुम उषा इंटरनेशनल में आओगे, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि परसेंटेज वैल्यू उषा इंटरनेशनल का जो है सबसे डिफरेंट है, 21%, 15%, 12%, ये सारे वैल्यू है, जिसका ना हम लोगों को फ्रैक्शन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो ये सवाल कंप्लीटली स्किप करने का सवाल है, ठीक है। तुम फिर भी मान है तो मैंने तुम्हें बता दिया, इसे सॉल्व करके देख लेना कितना ज्यादा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो क्या बोल रहा है, अगला क्या है, इफ इन 2012 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ उषा इंटरनेशनल इज अर्न्ड बाय सेलिंग 800,000 उषा फैन, ठीक है। टोटल रेवेन्यू जो अर्न हुआ है वो 800,000 उषा फैन को बेच के हुआ है, ठीक है। 800,000 जब उषा फैन बेचा तो आगे क्या बोल रहा है, तुम्हारा 25% टोटल रेवेन्यू। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4 होती है, ठीक है। किस साल में बात किया है, 2012 में। उषा का 2012 कितना है, 800 है। 800 का 1/4 जब करेंगे तो कितना करोड़ दे देगा हमें, 200 करोड़ दे देंगे, ठीक है। 200 करोड़ जब निकल गए तब आगे क्या बोल रखा है मैं सवाल में, ये 200 करोड़ क्या हो गया हमारा, टोटल एसपी अभी फिलहाल के लिए जो हो गया, जो फैन से आए थे हमारे, ठीक है। टोटल एसपी हो गया, कहां से जो आए थे, जो फैन से आए थे, ठीक है। फिर क्या बोला है सवाल में हमारा, एंड द डिस्काउंट गिवन इज 20% ऑन ईच फैन, ठीक है। डिस्काउंट जो दिया है वो 20% दिया है, तो परसेंटेज डिस्काउंट की अगर तुम बात करो तो परसेंटेज डिस्काउंट 20% है, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, 1/5 है। 5 में 1 चला जाएगा, यानी कि 20% का डिस्काउंट है, 5 में 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा एसपी हमारा, 4 यूनिट। 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो वैल्यू तुम्हें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 200 दी हुई है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 1 यूनिट 50 हो जाएगी तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। यानी कि तुम्हारा मार्क प्राइस निकल गया, कितना निकल गया, 250, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है सवाल में, बोल रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ ईच फैन बीइंग इक्वल टू 125% ऑफ सीपी, सीपी का 125% के बराबर है मार्क प्राइस, यानी कि 250 कर दोगे यहाँ पे, 125 दुना, यानी कि सीपी जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 200 रुपए निकल के आ गए, सीपी निकल के आ ही गया हमारा। अब जब निकल के आ गया सीपी तो हमसे क्या बोल रहा है सवाल में, कि assuming that the total fan manufactured was 12.5% more than the total fan sold। अब यहां से देखो कितना डेटा बैठा के दिया हुआ है यहां पे, कि 12.5% की फ्रैक्शनल अगर वैल्यू तुम देखोगे तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है, ठीक है। मतलब क्या है कि सिर्फ 1/8 ही तुम बेच पा रहे हो, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा दिया हुआ भी है कितना, 800,000 फैन ही बेच पा रहे हो। यानी कि अगर तुम इसे यहीं पे 800,000 बेच दे रहे हो, बोल रहे हो, तो इंक्रीमेंट मतलब तुम्हारा टोटल जो मैन्युफैक्चर हुआ था, मैन्युफैक्चर कितना हुआ था, 8 में 1 जोड़ दो, यानी कि कितना लाख मैन्युफैक्चर हुआ था, 9 लाख मैन्युफैक्चर हुआ था। जब तुम्हारा 8 का मान दिए हुआ है 200,
तो तुम्हारा एक का मान कितना हो जाएगा 200 बटे में 8, तुम्हें 9 की वैल्यू निकालनी है, 9 की वैल्यू निकाल दो, 200 बटे में 8 गुने में 9 कर दो, 8 से काट दो इसे 25 बार में, 25 गुने 9 कितना हो जाएगा 225 करोड़, और किसी के साथ हमारा आंसर जो है वो कितना है 225 करोड़। ठीक है, ये सवाल भी हमारा हो गया, आगे बढ़ो। अगला क्या है, लास्ट सवाल 21 नंबर, क्या होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ पेंट नेमली रॉयल एस्पेरा एंड रॉयल एटमॉस, दो तरह के पेंट है रॉयल एस्पेरा और रॉयल एटमॉस के नाम पे, ठीक है, इज रॉयल एस्पेरा इन द रेशियो 11:6 इन 2014 और 2015 में जो है 8:7 में, तो 2014 की चर्चा है और 2015 की चर्चा है। ठीक है, 2014 में जो रेशियो है वो रेशियो दिए हुआ है 11:6 और इसमें जो रेशियो दिए हुआ है वो रेशियो दिए हुआ है 8:7, किसका किसका दिए हुआ है, रॉयल एस्पेरा का, एस्पेरा का और एटमॉस का। ठीक है, यहाँ पे भी एस्पेरा और क्या है एटमॉस का है। ठीक है, अब क्या दे रखा है सवाल में ये देखो, अब ये 2014 में जो दिए हुए है ये क्या बोल रहा है सवाल में कि दिस टू अर्न सेलिंग ऑन ओनली दिस टू पेंट्स विच इन द रेशियो, जो सेलिंग से अर्न हुआ है वो तुम्हारा दिए हुआ है ये रेशियो में, यानी रेवेन्यू अर्न का रेशियो दिया हुआ है एटमॉस का, एस्पेरा का रेवेन्यू अर्न कितना हुआ है तुम्हारा देखो, तो 2014 में जब तुम देखोगे तो 2014 में तुम्हारा अर्न हुआ था 850। ठीक है, मतलब 850 को तुम्हें इन दोनों में बांटना है। फिर आ जाओ तुम 2015 में जो तुम्हारा अर्न हुआ है वो अर्न हुआ है 870। ठीक है, अब यहां से तुम देखो 17 का मान 850 के बराबर होगा, तो 8 का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 8 का मान हो जाएगा 50 के बराबर, तो 11 का मान कितना निकल के आ गया 550 करोड़, और 6 × 30 यानी कि कितना 300 करोड़। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया निकल के आ गया खर्च रॉयल एस्पेरा का, रॉयल एटमॉस, सॉरी रॉयल एस्पेरा और रॉयल एटमॉस का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। सेम एज वहां पे भी 87 कितना होगा हमारा 16 होगा, सॉरी 87 कितना होगा 15 होगा, 15 का मान 870 के बराबर दिए हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 15 का मान 870 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 58 हो जाएगी। ठीक है, 58 गुने अब तुम जब 4 करो 8 करोगे तो 8 फायदा कितना हो जाएगा 400, 8 64, यानी कि 400 ये क्या दे दिया तुम्हें 464। अब यहाँ पे तुम दो तरीके हैं तुम्हारे पास, 870 में या तो घटा दो या तुम डायरेक्ट लिख दो, तो ये 870 में घटाओगे तो 400 तुम्हें सिक्स साफ साफ दिख रहा है, तो तुम यहाँ से 400 ठीक है, इसे क्या लिख दो तुम 306 लिख दो, 4 × 3 = 770। ठीक है, 306 लिख दी। अब आगे देखो आगे क्या दे रखा है तुम्हारा सवाल में, आगे जब हो गए तो आगे बोल रहा है तुम्हारा सवाल में कि एंड द सेलिंग प्राइस पर कंटेनर ऑफ रॉयल एस्पेरा एंड रॉयल एटमॉस इज 500 and 240। ठीक है, पर कंटेनर का दाम तुम्हें दिए हुआ है, पर कंटेनर का दाम कितना दिया हुआ है, एस्पेरा का है 500 और तुम्हारा इसका कितना है 240। ठीक है, फिर इसमें आते हैं तो इसका दाम कितना है 400 और इसमें आते हैं तो इसका दाम तुम्हारा कितना है 200। ठीक है, अब तुम देखो यहां से तुम्हें निकालने के लिए क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कंटेनर ऑफ रॉयल एस्पेरा इन 14-15, मतलब यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर आएंगे और यहां पे जो आएंगे एस्पेरा का, इन दोनों का सम किसके साथ डिफरेंस निकालना है, एटमॉस के साथ डिफरेंस निकालना है, 2014-15 में जो एटमॉस आए थे उसमें एटमॉस से जो डिब्बे थे उसमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब तुम देखो डिब्बों की संख्या नंबर ऑफ कंटेनर कैसे निकालोगे, पर कंटेनर दाम टोटल खर्च तुम्हारा टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो तुम्हारा निकला होगा। ठीक है, मतलब डिवाइड दो तो तुम्हारा आ जाएगा। अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि जब तुम 1 करोड़ में, ठीक है, एक करोड़ में जब तुम 100 रुपए से डिवाइड देते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, देखो 100 रुपए से तुम डिवाइड दोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,000 मिलेगा, मतलब 1 करोड़ में तुमने 100 से डिवाइड दिया तो तुम्हें क्या मिल रहा है, लाख। ये जो वैल्यू है ये हमारी करोड़ में, इसे जब हम लोगों ने 100 से डिवाइड दिया तो क्या मिला, लाख मिला। अगर 10 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना कि जब 10 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी निकालनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि 550 करोड़ है
अब इसको अगर हम लोग डायरेक्ट 500 से डिवाइड देंगे तो थोड़ा सा कष्ट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 10 से गुना कर देते हैं। जब इधर 10 से गुना कर रहा है तो लास्ट में जब डिफरेंस आएगा तो उधर भी क्या कर देंगे 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो हर जगह बैलेंस हो जाएगा। अब यहां से तुम देखो इजिली कट जाएगा हमारा 5 से कितने बार में, 11 बार में, 300 है गुने में 10 कर दिया, नीचे में 240 कर दिया, ठीक है, 0 0 खत्म हो गया। इसे काटते हैं 3 से काट देते हैं 8 बार में, 3 से कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। अब 8 से जब काटोगे इसे तो 8 से काटोगे तो साफ साफ तुम्हें पता है 8 से कितना बार में कटेगा, 12.5 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, 464 है गुने में 10 कर दिया, नीचे में 400, 0 0 खत्म, 4 से 10 बार में, 4 से 1 1 और कितना है तुम्हारा 24, 6 4 24, ठीक है, यानी कि कितना आ गया तुम्हारा 11 पॉइंट में 6 आ गया, 12 पॉइंट में 5 आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया 11 आ गया। तो 10 से गुना किया तो ये तुम्हारा सारा 10 लाख में आ रहा है, ठीक है। तो वापस तुम्हें वहां पे लाने के लिए 10 से तुम्हें क्या करना होगा, लाख लाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आगे चलो। तो यहाँ पे जब हम लोग हर कोई को 10 से गुना कर रहे हैं तो फाइनल आंसर भी जब हमारा आएगा तो क्या आएगा, 10 से गुना ही आएगा। अब यहाँ देखो क्या है, 306 है, 306 में 10 से गुना कर दो, 200 से डिवाइड कर दो, 0 0 खत्म, 2 से 10 बार में, 2 से जब तुम डिवाइड दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 153, ठीक है। एक सेकंड, यहां से ये क्या दिया हुआ था, 870 था, एशियन पेन का 870, 400 हो गया, 400 ये 460 होगा, ठीक है, ये 406 जब हो जाएगा तो इसको 406 ही रन करना है, तब ना हो जाएगा 406, ठीक है, 406 जब हो गया यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 203 हो जाएगा, 203 जब हो गया हमारा तो यहाँ पे ये क्या दे देगा तुम्हारा 20 पॉइंट में 3 दे देगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला था सवाल में, इसका और इसका सम, ठीक है, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा तुम्हारा 22.6, ठीक है। फिर बोला तुमसे सवाल में इसका और इसका सम निकालने के लिए, इसका और इसका सम निकालो तो 20 10 30 32, 32 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। जब तुम इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है कितना दे रहा है 10.2, और तुमने सब जगह 10 से गुना किया था तो यहाँ पे तुम क्या करोगे 10 से गुना करोगे, तो 10.2 में जब 10 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, और इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है वो कितना है 102 लाख है। अब तुम देखो यहाँ पे अगर तुम जीरो नहीं करते तो यहाँ 1.1 आता, यहाँ पे 1.25 होता, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो चीजों को समझो, इस तरीके से थोड़ा सा सवाल को आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है ये दो पार्ट में, इस सेट का जो वीडियो रहेगा वो दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला पार्ट हम लोग का यहीं पे खत्म होता है क्योंकि वीडियो काफी लंबा चले जाने वाली है, 40-35 क्वेश्चन का डिस्कशन कराना है, ठीक है, तो लंबा जाने वाली है। जो सवाल ज्यादा कैलकुलेटिव होगा वो सवाल का हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वीडियो को लंबा करने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं, ठीक है, वो यहाँ पे भी छोड़ना है, एग्जाम में भी छोड़ना है, मन है तो मैंने समझा दिया, उसे सॉल्व कर लो, नेक्स्ट वीडियो को देखो, नेक्स्ट वीडियो में आगे का सवाल जितना भी है वो सारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।